हेलो नमस्ते सत श्री अकाल सलाम वालेकुम. दिस इज असिस्टेंट प्रोफेसर मीनाक्षी द्विवेदी एंड यू आर वाचिंग स्कॉलर्स मंत्रा. स्कॉलर्स मंत्रा इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराई जाती है. रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड द फ्री क्रैश कोर्स जिसके टोटल डेज है 12. ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, दिस इज द फोर्थ क्लास. अगर आपने वो क्लासेस मिस कर दी हैं तो वो क्लासेस जरूर देखिएगा, बिकॉज दीज ऑल क्लासेस आर इन अ लिंक्ड. अगर वो चीजें समझ में नहीं आएंगी तो ये चीज समझ में कैसे आएगी. तो दिस ऑल इज अ साइकिल एंड दिस इज ऑल अबाउट द प्लानिंग स्केड्यूल एंड एवरीथिंग. सो वी हैव स्टार्टेड दिस क्रैश कोर्स फ्रॉम 16th June एंड इट विल बी कंटिन्यू टिल 27th of June, बिकॉज हमारा जो मेन टारगेट है वो है 29th June को जो मेल एंड फीमेल का एग्जामिनेशन होने वाला है पीजीटी का, उसके रिगार्डिंग. अगर आप स्टूडेंट्स पीजीटी के लिए काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आई रियली होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई होगी, बट फिर भी एक चीज रहती है कि क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए ताकि जो हमारी प्रिपरेशन है वो और बेटर हो सके या फिर हमारा एक रिवीजन हो सके. तो उसी के लिए ये क्लासेस है ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रैक्टिस हो चुकी है बट एक रिवीजन के लिए एक क्रैश कोर्स की रिक्वायरमेंट थी, तो दिस इज द टाइम एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां पर आपको जितना भी जो भी सिलेबस है उसके रिगार्डिंग एक ब्रीफ प्रिपरेशन कराई जा रही है. ये मान लीजिए कि स्कॉलर्स मंत्रा का ये क्लेम है कि इन क्लासेस में अगर आपने कंटिन्यूअसली 12 दिन की 12 क्लासेस अगर कंटिन्यूस अटेंड कर ली तो आपकी 20 से 25 मार्क्स तो 100% इंक्रीज होने वाले हैं. दिस इज द गारंटी ऑफ स्कॉलर्स मंत्रा एंड व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, एक्चुअली वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द यूनिट्स कवर्ड इन वेरी ब्रीफ, बिकॉज जो क्लास रहती है वो 1.5 आवर की रहती है. डेली एमसीक्यूज मिलते हैं आपको. एमसीक्यूज के लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा. स्कॉलर्स मंत्रा इज हैविंग इट्स ओन ऐप विच इज अवेलेबल इन प्ले स्टोर एंड यू कैन डाउनलोड राइट नाउ, बिकॉज दिस मटेरियल दिस पीपीटी and all the MCQs will be available there. You can get all the PPTs and material there only. Practice set every day. You also receive the practice set in app only. So, अगर कोई भी inquiry number है तो यहाँ पर आप inquiry करके उससे पूछ सकते हैं अगर कोई भी issue हो रहा है downloading में. Okay. Now, अगर syllabus की बात की जाए तो Editor Plus भी PGT exam syllabus ये कुछ इस तरीके से है, जिसका भी पीडीएफ सिलेबस का भी मैंने आपको दिया हुआ है ऐप में, वहां पे जाके देख सकते हैं. एक्सरसाइज फिजियोलॉजी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है हमारी 2 क्लासेस में. अगर आप लोगों ने वो क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं तो जाके जरूर देखिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. उसके बाद आज का जो टॉपिक है वो है बायोमैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी एंड दिस इज द यूनिट 3 टाइम. तो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड यूनिट 2 Unit 1 and now it's time for biomechanics and kinesiology. बहुत amazing class होने को है आज की, क्योंकि biomechanics and kinesiology मुझे भी personally बहुत पसंद है. Interesting के साथ साथ इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो हमारा relate करता है हमारे profession से. It's all about profession, it's all about sports, it's all about the understanding all the mechanical principle, biomechanical principles, उसी की बात की जाएगी. So it's very interesting और इसी को आज हम लोग complete करेंगे. उसके बाद health education, sports psychology, ये सारा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा. केवल मैंने जो आपको बताया था कि ये ऑल अबाउट गेम्स एंड मेजरमेंट्स, ये जो सिलेबस है ये आप अपने आप कंप्लीट करेंगे, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि एक क्लास में गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी कराया जाए. सो ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. बाकी जो सिलेबस है आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट इन अ वेरी ब्रीफ मैनर, क्योंकि ये रिविजन क्लासेस है. उसके बाद अगर आपने अभी भी स्कॉलर्स मंत्रा ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पर जाकर अभी डाउनलोड कर लीजिएगा. इट इज अवेलेबल इन प्ले स्टोर एंड वॉट वी आर प्रोवाइडिंग इन आर पेड क्लासेस. अभी रिसेंटली TGT and PGT physical education की classes चल रही हैं. अगर आप चाहते हैं कि जो upcoming examinations है, UP में exam आने वाला है, TGT का exam आने वाला है, other the states में भी exam आने वाले हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि ये classes continue रहे और आप डिटेल में जाके ब्रीफली नहीं उसको डिटेल में थ्योरेटिकल जाके समझें तो आप वो प्रिपेयर्ड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं. UGC नेट एंड JRF इज ऑल्सो बैच इज गोइंग ऑन, सो यू कैन ऑल्सो connect there, join there. For any query, for any information, you can call on this number. So very good evening to all of you. Inshu, Varsha, Janme, Jaydev, Ragini, Digvijay, Moshmi, Abhishek, Arjun, thank you so much for coming. Amrit, thank you so much. And जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं सबको ये वीडियो जरूर भेजिएगा ताकि कोई भी हमारा स्टूडेंट है वो प्रिपरेशन से बचना वो प्रिपरेशन से रहना चाहे मतलब एग्जामिनेशन से. तो अगर जिससे ज्यादा
लोगों तक ये चीजें जाएंगी तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा हर एक स्टूडेंट को. ओके अब अगर बायोमैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी के सिलेबस की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे सिलेबस हैं जो कि आज के टॉपिक में हम लोग ट्राई करेंगे कवर करने के लिए. डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन, एक्सिस एंड प्लेन्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लीवर सिस्टम, टॉर्क, प्रोजेक्टाइल मोशन, फ्रिक्शनल फोर्सेस, पोस्टरल एंड पोस्टरल डिफॉर्मिटीज, इक्विलिब्रियम, स्पोर्ट्स इंजरीज एंड पोजीशन एंड मूवमेंट्स. तो ये तो पूरा कंप्लीट सिलेबस है. और आज के क्लासेस में आपको क्या क्या मिलने वाला है, वी आर ट्राइंग टू कवर दिस पॉइंट, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, टाइप्स ऑफ मोशन, लीवर सिस्टम वी विल कनेक्ट, वी विल ट्राई टू कवर द टॉर्क, वी विल ट्राई टू कवर द प्रोजेक्टाइल मोशन, वी विल ट्राई टू कवर ऑल द थिंग्स जो कि इसेंशियल रहेंगी यहाँ पे, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज भी कवर की जाएंगी. ठीक है, और बाकी जो सिलेबस बच गया है मैंने आपको बताया हुआ है कि उस सिलेबस का वीडियो भी अवेलेबल है स्कॉलर्स मंत्रा के वीडियोस प्लेयर्स में. तो आप जाके इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक दिया हुआ है अदर वीडियोस का, तो उस वीडियोस में आपको बायोमैकेनिक्स के काफी और डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगे. तो जो टॉपिक्स इस क्लास में कवर नहीं हो पाएंगे वो टॉपिक्स आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं. तो ताकि आपके कोई भी टॉपिक छूट ना जाए, बट आज की जो 1.5 की क्लास है उस क्लास में हम जितना ज्यादा हो सकेगा आई विल ट्राई टू कवर इट इन ब्रीफ. ओके, सो आर यू ऑल गाइज रेडी? क्या सभी लोग तैयार हैं? हेलो विशाल, विवेक, रुद्रेश, दिव्या, अविनाश, निकिता, राहुल, इकबाल. सो आर यू ऑल गाइज एक्साइटेड? आर यू ऑल गाइज रेडी? आर यू ऑल गाइज एनर्जेटिक? ओके, बिकॉज भाई एनर्जी लेवल शुड बी वेरी हाई, बिकॉज 1.5 आवर की क्लास कंप्लीट करना विद फुल एनर्जी, विद फुल एक्साइटमेंट इज नॉट एन इजी टास्क. और इसके लिए हम सबका कोलैबोरेशन उतना ही होना जरूरी है जितना एक एग्जामिनेशन के लिए चाहिए होता है, किसी प्रिपरेशन के लिए चाहिए होता है. सो आर यू ऑल गाइज रेडी? यस जितेंद्र, पुली, विशाल, स्मृति, यस बसिंधर, गीता, निकिता, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले अगर बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स एक्चुअली? तो देखो बायोमैकेनिक्स की अगर बात की जाएगी, किनेसियोलॉजी की अगर बात की जाएगी, तो इट्स ऑल अबाउट मोशन ऑफ द बॉडी और किस तरीके से बॉडी जब मूव करती है उसको एनालाइज किया जाता है. स्पोर्ट्स में बायोमैकेनिक्स को अगर हटा दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि अगर डेवलपमेंट की बात की जाएगी, रिसर्च की बात की जाएगी, तो हमें पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर एंगल पर अगर थ्रो किया जाए, पर्टिकुलर एंगल पर अगर जंप किया जाए तो कितना रिस्पांस मिलेगा या फिर कितना रिजल्ट आएगा. सपोज करिए इफ अगर एक हाइटेड पर्सनैलिटी है, छोड़ो ये वाला एग्जांपल छोड़ो, दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग स्प्रिंटिंग स्प्रिंटिंग में स्टार्ट्स लेते हैं, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टार्ट्स आते हैं? तो बेसिकली अगर आप लोग बोलेंगे तो ये बोलेंगे एक तो क्राउच स्टार्ट होता है, एक होता है स्टैंडिंग स्टार्ट और एक फ्लाइंग स्टार्ट, राइट? तो थ्री टाइप्स ऑफ स्टार्ट्स आर देयर, जिसमें अगर क्राउच स्टार्ट की बात की जाए तो क्राउच स्टार्ट और ऑफ एक हो गया आपका बुलेट स्टार्ट, एक हो गया मीडियम स्टार्ट और तीसरा हो गया इलोंगेटेड स्टार्ट. तो इन सब के डिफरेंस में क्या चीज कॉमन है? दैट इज द हाइट. दैट मींस जब भी स्टार्ट की बात की जाएगी तो वी सिलेक्ट द पर्टिकुलर टेक्निक अकॉर्डिंग टू आर हाइट, अकॉर्डिंग टू आर इंडिविजुअल कैपेसिटी, इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज, इंडिविजुअल डिफरेंस. ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, वहां पर भी मैंने यही चीज बताई थी कि जब भी किसी भी इंडिविजुअल का, एथलीट का ट्रेनिंग प्लान डिसाइड होता है तो वो डिपेंड करता है कि उसकी कैपेबिलिटीज कितनी है, वो डिपेंड करता है कि उसका पर्टिकुलर एक्टिविटी कैसी है, वो सब कुछ उसके इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर रिलेट करते हैं. वही चीज अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि जब भी हम कोई पर्टिकुलर टेक्निक को चूज करते हैं पर्टिकुलर एथलीट के लिए, तो कौन सी टेक्निक उस इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल रहेगी, उस चीज का रिजल्ट कैसे मिलेगा, आंसर कैसे मिलेगा, एनालाइज करके. जब तक चीजों को परखा नहीं जाएगा, जब तक चीजों को देखा नहीं जाएगा, ढूंढा नहीं जाएगा, समझा नहीं जाएगा, तो चीजें डेवलप हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोमैकेनिक्स इन विच वी अंडरस्टैंड द ऑल द थिंग्स, वी अंडरस्टैंड ऑल द फोर्सेस, वी अंडरस्टैंड ऑल द मोशंस, जिसकी वजह से हम ये बता पाते हैं कि पर्टिकुलर जो मोशन हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे पर्टिकुलरली जो चीज है, थ्रोइंग है, जर्म्स है, वो कितने एंगल पे होगी तो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोमैकेनिक्स. बायोमैकेनिक्स अगर डेफिनेशन की बात करें तो बायोमैकेनिक्स इज द साइंस कंसर्न विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड द इफेक्ट प्रोड्यूसेस बाय दीज फोर्सेस.
ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन में भी बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि बायो मैकेनिक्स में बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंस की बात है वो है फोर्सेस की, इंटरनल फोर्सेस एज वेल एज द एक्सटर्नल फोर्सेस, और फोर्सेस से होने वाले मोशन की बात की जाती है। अब भाई किसी भी चीज को मूव करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब अगर सपोज करें इफ आई एम मूविंग माई हैंड, सो ये एक मेरी बॉडी का मस्कुलर फोर्स है, मेरी बॉडी का इंटरनल फोर्स है जिसकी वजह से मेरा हाथ मूव हो पा रहा है। अब वहीं पर अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कर दी जाए, ठीक है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जब हवा चलती है, तेज हवा चलती है, तो पेड़ हिलते हैं, बिल्कुल हिलते हैं, तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कोई ना कोई मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। सो इसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको डिटेल में उसको एनालाइज करना पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोमैकेनिक्स। अब अगर फोर्सेस की बात की जाएगी तो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस का मतलब है मस्कुलर फोर्स, ठीक है, याद रखिएगा, इंटरनल फोर्स का मतलब है मस्कुलर फोर्स, बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। एंड अगर फोर्स की बात की जाएगी तो ओनली मसल्स आर देयर टू एक्सर्ट अ फोर्स, बिकॉज मसल आर देयर टू एक्सर्ट अ एफर्ट, मसल ही एफर्ट को लगा पाती हैं, तो मसल्स ही फोर्स प्रोड्यूस कर पाती हैं। ठीक है, थीके? इसका डिटेल में आंसर मैं आपको आगे बताती हूँ। यस गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलिए, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स की बात की जाए तो एनवायरमेंटल फोर्स की बात की जाएगी, जिसमें एयर आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ग्रेविटी आ जाएगा, काउंटर फोर्सेस आ जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस और इनसे होने वाले मोशंस की स्टडी को बायोमैकेनिक्स कहा जाता है। ठीक है, आगे चले भाई, बायोमैकेनिक्स समझ में आ रहा है? बायो का मतलब लिविंग थिंग्स और मैकेनिक्स का मतलब कोई भी चीज जब मोशन में होती है उसकी स्टडी को मैकेनिक्स कहते हैं, सिंपल। सो अगर मैकेनिक्स की बात की जाए तो मैकेनिक्स की डेफिनेशन देखें, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द मोशन एंड द फोर्सेस दैट कॉजेस द मोशन। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिक्स? मैकेनिक्स वो चीज बताता है कि किस तरीके से मोशन होता है और मोशन किस वजह से होता है, इन दोनों की स्टडी को मैकेनिक्स में स्टडी किया जाता है। अब ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की, इसका मतलब है एनालाइज किया जाएगा, फॉर्मुलेज यूज किए जाएंगे, प्रॉपर तरीके से उसको स्टैटिस्टिक्स के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मैकेनिक्स को यूज किया जाता है, एंगल्स बताए जाते हैं, चीजों को रिलेट किया जाता है। ओके नाउ, अब मैकेनिक्स में दो चीजें और आती हैं। मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट टू मोर ब्रांचेस, स्टेटिक्स एंड डायनामिक्स। अगर स्टेटिक्स की बात की जाएगी तो स्टेटिक्स का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि उस चीज की स्टडी जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, दैट मीन्स दैट इज इन अ इक्विलिब्रियम कंडीशन और दैट इज इन अ स्टेशनरी पोजिशन। ओके, तो स्टेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द मैकेनिक्स विच इज कंसर्न विद द बॉडीज एट रेस्ट, मतलब जब किसी बॉडी में कोई भी मोशन नहीं होता है तब उसे स्टैटिक्स कहा जाता है, और जब किसी बॉडी में मोशन होता है और तब उसकी स्टडी की जाती है तो उसको डायनेमिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मैकेनिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है, स्टैटिक्स क्या है। ठीक है, तो बायोमैकेनिक्स इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी मोशन, और मोशन किस वजह से हो रहा है, फोर्सेस की वजह से, इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स, इन सब की स्टडी को बोलते हैं बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स में दो ब्रांचेस आ गई है यहाँ पे, एक स्टेटिक्स, दूसरी डायनामिक्स। स्टेटिक का मतलब तब ये स्टडी होती है जब कोई बॉडी स्टेशनरी पोजिशन पे होती है, रुकी हुई होती है, रेस्टिंग कंडीशन में होती है। डायनामिक्स तब स्टडी की जाती है जब कोई बॉडी एक मूविंग कंडीशन में होती है, और मूविंग कंडीशन मतलब इट इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फोर्सेस। ठीक है, नाउ डायनेमिक्स में भी दो ब्रांचेस यहाँ पे डिवाइड हो जाती है, नंबर वन काइनेटिक्स, दूसरी काइनेमैटिक्स। काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स इसको मैं डिटेल में आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है। इट्स ऑल अबाउट प्रोसेस, इट्स ऑल अबाउट 1, 2, 3, 4। अगर एक चीज समझ में नहीं आएगी तो आपको लास्ट तक चीज समझ में नहीं आएगी। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर एड हो चुके हैं, सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपको सबको समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज हमें भी पता है कि जब हम लोग वीडियो देखते हैं, एंड यू आर ऑन यूट्यूब, और यूट्यूब में एंटरटेनमेंट की कमी नहीं है, बट आपको पता है कि आपका एग्जाम है और आपको पता है कि कौन सी चीज इस टाइम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी
इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि जो भी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ उससे आप रह ना जाए, ठीक है। तो काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स मैं आपको लास्ट में आगे बताऊंगी, अभी मैकेनिक्स समझ में आया, स्टेटिक्स समझ में आया और डायनेमिक्स समझ में आया, राइट। ओके वर्षा मैं आगे बताऊंगी, वर्षा मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। नाउ अब अगर क्वेश्चंस की बात करें तो अभी प्रीवियस एग्जामिनेशंस में कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो क्या लगता है आपको? ओहो आंसर देख गया कोई बात नहीं। बायोमैकेनिक्स विच इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्सेस लेगिमेटली द ब्रांच ऑफ, ओके। तो यहाँ पे अगर बात की जाएगी बायोमैकेनिक्स विच इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्सेस, उसको क्या कहा जाएगा? तो द आंसर इज बी, ओके। बायोमैकेनिक्स किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन की बात करते हैं और फोर्सेस की बात करते हैं। अगर आप लोगों ने 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है, पीसीएम था आपके पास, तो ये मान लीजिए कि आपको बायोमैकेनिक्स समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। बट अगर आपकी पीसीएम नहीं थी, आपको फिजिक्स में उतना अच्छा आइडिया नहीं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट कोई बात नहीं, इसी को समझने में टाइम जरूर लगता है लेकिन समझ में आ जाता है, ठीक है। तो बायोमैकेनिक्स किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की ब्रांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर इंस्टेंस यूनाइटेड किंगडम किन्सोलॉजी इज अनदर नेम ऑफ, तो यूके में, सॉरी यूएस में किन्सोलॉजी को क्या कहा जाता है? यूएस में किन्सोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर इज सी, तो उसको फिजिकल एजुकेशन कहा जाता है, मतलब यूएस में किन्सोलॉजी को ही फिजिकल एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके नाउ अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ ये क्वेश्चन दिख रहा है दैट बायोमैकेनिक्स इज बाउंड टू एक्ट इन परफेक्टली कन्फॉर्मिटी। ओके इसका मतलब क्या है यहाँ पे? अगर बायोमैकेनिक्स को अगर प्रॉपर किसी लॉ में डिफाइन किया जाए तो वो क्या होगा? सो द आंसर इज 3 का सही आंसर है ए, ओके। सो दैट इज द मैकेनिकल लॉ, बिकॉज यहाँ पे मैकेनिकल फोर्सेस की बात की जाती है, यहाँ पे मोशन की बात की जाती है, तो दैट इज द मैकेनिकल लॉ, ओके। सो बायोमैकेनिक्स इज अ मैकेनिकल लॉ। चलिए तो ये क्वेश्चंस कुछ पिछली बार एग्जामिनेशन में आए हुए थे, तो एक बार जाके देखिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं दोबारा से। तो इसके लिए आपको बायोमैकेनिक्स का मीनिंग पता होना जरूरी है, किन्सोलॉजी का मतलब पता होना जरूरी है, डायनामिक्स का मतलब, मैकेनिक्स का मतलब, इन सब के मीनिंग एक बार देख लीजिएगा, काफी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब नाउ मोशन की बात की जा रही है भाई, मोशन एंड इट्स टाइप्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको समझने के लिए थोड़ा सा ना आराम से देखिएगा, कंसंट्रेट करके देखिएगा, इजी है। मोशन बेसिकली कुछ नहीं होता, ये बस इतनी सी बात है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करता है, या फिर जब भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे डिस्टेंस कवर करता है, उसी को मोशन कहते हैं, सिंपल। ओके सो व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स फिक्स्ड पॉइंट, ये कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो गया है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है कि मोशन का मतलब क्या है, कि जब कोई बॉडी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट होती है, चेंज ऑफ डायरेक्शन होती है, चेंज ऑफ डिस्टेंस होती है, तो उसको मोशन कहा जाता है। लेकिन मोशन को एनालाइज करना पड़ेगा, मैंने अभी आपको बताया बायोमैकेनिक्स इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग द थिंग्स, तो बायोमैकेनिक्स को समझने के लिए आपको चीजों को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज समझ रहे हैं कि एनालाइज करने के लिए मोशन को आपको फिक्स पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, एंड व्हाट इज द फिक्स पॉइंट? इसको एक्सिस भी कहते हैं, इसको एक्सिस भी कह सकते हैं, इसको रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं, मतलब एक ऐसी चीज जो रुकी हुई है, जो फिक्स्ड है। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, ठीक है, तो सपोज करिए एक ये मूविंग इमेज होती, और मूविंग इमेज में ये जो पर्सन है ये बैकवर्ड, ये बैकवर्ड फ्लिप मार रहा है, ठीक है। सो यहां पर आप देखेंगे कि इसको आप क्लियरली देख पाएंगे अगर पीछे वाला बैकग्राउंड स्टेशनरी पोजीशन पे होगा, ऐसा ही होता है। अगर पीछे वाला बैकग्राउंड स्टेशनरी पोजीशन में नहीं होगा, मूविंग कंडीशन में होगा, तो यू कैन नेवर जज कि इसने मोशन किया या नहीं किया, या फिर ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस में शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ, या फिर इसने अपनी प्लेस से मूव किया और अपनी प्लेस पर ही लैंड किया। दैट मींस अगर आपके पास फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा, तो ये चीजें बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मूव हुआ है या नहीं हुआ है, मोशन हुआ है या नहीं हुआ है। बेस्ट एग्जाम्पल इज ट्रेन, जब भी हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो कई बार ऐसा हमें धोखा होता है कि
कौन सी ट्रेन चल रही है, या फिर कई बार आप बड़ा बस में होते हो तो आपको बड़ा धोखा हो जाता है कि अगर अगल बगल बसेस हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो बेसिकली हु इज मूविंग, हमारी बस मूव कर रही है फिर बगल वाली बस या ट्रेन मूव कर रही है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मोशन। फिर आप क्या देखते हो, फिर आप रोड को देखते हो, फिर आप स्टेशन को देखते हो कि स्टेशन रुका हुआ है, तब आप समझ पाते हो कि अच्छा मैं तो मूव नहीं कर रहा, ये ट्रेन मूव कर रही है, या फिर मैं मूव कर रहा हूँ ये ट्रेन मूव नहीं कर रही है। तो आपने किसको देखा, रेफरेंस पॉइंट को देखा, फिक्स पॉइंट को देखा, तब जाके आप ये समझ पा रहे हो कि यस नाउ आई एम इन मोशन। तो मोशन को समझने के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके नाउ अब इसके टाइप्स की बात करें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो टाइप्स इसके दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, देखिए एक हो गया ज्योमेट्रिकल कोर्स ऑफ मोशन, दूसरा हो गया क्रोनोलॉजिकल कोर्स ऑफ मोशन। ठीक है, तो अगर ज्योमेट्रिकल कोर्स की अगर बात की जाएगी, ज्योमेट्रिकल कोर्स का मतलब देखो, ज्योमेट्री का हम लोग पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्रिकल का मतलब एंगल्स की बात की जाएगी, लाइंस की बात की जाएगी, है ना, एंगल्स मतलब लाइंस लिख लीजिएगा। ज्योमेट्री का मतलब अंदाजे से देखें तो लाइंस एंड एंगल्स की बात की जाएगी। ठीक है, अगर क्रोनोलॉजिकल की बात की मतलब न्यूमेरिकल्स की बात की जाएगी, कोई भी चीज जब एक नंबर्स में कैलकुलेट की जाती है तो उसको क्रोनोलॉजिकल कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर नंबरिंग नंबरिंग में कैलकुलेशन की जाएगी तो उसको हम लोग कहते हैं, बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल, और अगर लाइंस के अकॉर्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग अगर आपने चीजों को रिलेट किया है, चीजों को डिफ्रेंशिएट किया है, तब आप इसको ज्योमेट्रिकल कोर्स ऑफ मोशन भी कह देंगे। ओके सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ज्योमेट्रिकल कोर्स ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग इसके टाइप्स को डिफ्रेंशिएट किया जाए तो दिस इज बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स, लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन एक ही चीज है, रोटेटरी मोशन और एंगुलर मोशन एक ही चीज है, जनरल मोशन एक अलग चीज हो गई। ठीक है, तो बेसिकली ज्योमेट्रिकल कोर्स ऑफ मोशन एक तीन टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, लीनियर, रोटेटरी और जनरल मोशन। इसको मैं अभी यहीं पर आपको समझा देती हूँ। लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन इज ऑल अबाउट व्हेन द बॉडी इज इन अ स्ट्रेट लाइन, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तब उसको लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन कह देते हैं। अब ये चीज दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक नंबर वन, या तो बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, जब बॉडी कोई अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर, लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर, और जब कोई बॉडी एक कर्विंग पाथ में मूव करे तो उसको बोलते हैं कर्वीलिनियर। रेक्टिलिनियर एंड कर्वीलिनियर, दिस इज ऑल अबाउट लीनियर मोशन, बिकॉज यहां पे बॉडी अभी भी किसी एंगल पे मूव नहीं कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, यस, तो रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर इज ऑल अबाउट द लीनियर मोशन। तो यहाँ पर लाइंस की बात की जा रही है, इसीलिए इसको ज्योमेट्रिकल कोर्स ऑफ मोशन में स्टडी किया जाता है। उसके बाद रोटेटरी एंड एंगुलर मोशन की बात की जा रही है, तो दैट मीन्स जब भी कोई मोशन हो रहा है वो पर्टिकुलर एंगल के अकॉर्डिंग हो रहा है। एग्जाम्पल क्लॉक, क्लॉक मूव होती है, क्लॉक में जो नीडल होती है वो मूव करती है एक्यूरेटली 360 डिग्री पे मूव करती है, बिकॉज इट इज हैविंग अ फिक्स पॉइंट, इट इज हैविंग इट्स एक्सिस और इट इज हैविंग एन एंगल। ठीक है, तो सपोज करिए अगर आपने किसी बॉल को स्ट्रिंग से बांध दिया और स्ट्रिंग से बांधने के बाद उस स्ट्रिंग के एंड से आप उस चीज को घुमा रहे हो तो ये किस टाइप का मोशन हो गया, दिस इज एंगुलर मोशन, बिकॉज आपने उसकी एंडिंग को फिक्स कर दिया है। जब भी कोई एक पार्ट फिक्स होता है और उसके अराउंड कोई मूवमेंट होती है तो दिस विल बिकम एन एंगुलर मोशन। ओके, तो रोटेटरी मोशन और एंगुलर मोशन समझ में आ रहा है। उसके बाद जनरल मोशन, जनरल मोशन इज अ मिक्सचर ऑफ लीनियर एंड रोटेटरी मोशन, मतलब एक ऐसा मोशन जिसमें लीनियर मोशन भी हो रहा है और रोटेटरी मोशन भी हो रहा है। ठीक है, तो इन तीनों का एग्जाम्पल मैं अभी आपको यहां पर बताती हूँ। देखिए ये कुछ एग्जाम्पल आपको सामने दिख रहे हैं। ओके, पहली वाली इमेज जिसमें आपको दिख रहा है कि जब बॉलिंग किया, ओके, बॉलिंग में जो बॉल मूव कर रही है ये स्पिन भी होती है ना, स्पिन भी होती है, स्लाइड भी होती है ना, तो इधर इट विल गो स्ट्रेट और इट विल टेक अ कर्व। ओके, दैट मीन्स बट इट विल बी नोन एज दी लीनियर मोशन। ओके, इसको लीनियर मोशन कहा जाएगा। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, दूसरी इमेज दिख रही है, रिलीजिंग अ शॉट पुट। ओके, तो शॉट को रिलीज किया तो ये जो मोशन आपको दिख रहा है, विच टाइप ऑफ मोशन इज दिस,
यहां पर कोई एंगल है क्या? नहीं, यहां पर एंगल नहीं है, तो दिस विल बिकम ए लीनियर मोशन। अब अगर मैं आपको एंगुलर मोशन का एग्जाम्पल दूं, तो एंगुलर मोशन का एग्जाम्पल को जैसे इस तरीके से आपको दिख सकता है, ओके? तो दैट मींस मैंने क्या किया, बार को पकड़ा हुआ है और बार को पकड़ के आई एम मूविंग, ओके? तो बार को पकड़ के जब मैं मूव कर रही हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक एंडिंग को फिक्स्ड कर दिया है, और जिसकी वजह से जो इसके अगल बगल मोशन हो रहा है, दैट विल बिकम एन एंगुलर मोशन, ओके? एक और एग्जाम्पल, मैंने हैमर थ्रो को पकड़ा हुआ है, ठीक है? हैमर थ्रो के जो स्ट्रिंग है उसको पकड़ा हुआ है, एंड आई एम मूविंग द हैमर, मैं हैमर को मूव कर रही हूं, तो ये किस टाइप का मोशन हुआ, आप बताएंगे, कमन। अगर मैंने हैमर की स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है और पकड़ने के बाद मैं उसको मूव कर रही हूं, तो विच टाइप ऑफ मोशन इज दिस, कमन, कौन बताएगा? संग्राम, वर्षा, शुभम, शुभान, निकिता, अमृत, वर्षा, आलोक, अमृत, शुभान, यस, व्हाट वुड बी द आंसर, कम ऑन, आप बताइए। अगर मैंने एक शॉटपुट, सॉरी, हैमर को पकड़ा हुआ है और मैं उसे घुमा रही हूं पकड़ के, तो ये किस टाइप का मोशन रिलेट कर रहा है, क्या लगता है आपको? राहुल इज सेइंग एंगुलर, पक्का? यस, सो दिस वुड बी द एंगुलर मोशन, बिकॉज मैंने हैमर के एक स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है और वहां से एक्चुअली में मूवमेंट हो रही है, तो विच इज दैट पॉइंट, व्हाट इज दैट पॉइंट, दैट इज द एक्सिस, उसे एक्सिस ही बोल सकते हैं, उसे फलक्रम भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ ऑल्टरनेटिव नेम्स है, इसको याद कर लीजिएगा, एक्सिस, फलक्रम, फलक्रम वही है, लीवर में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है? फलक्रम इज द फिक्स पॉइंट, उसको एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है? तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर क्रोनोलॉजिकल कोर्स ऑफ मोशन की बात की जाएगी, तो इसमें हम किस किस चीज को स्टडी करते हैं, एक होता है रेगुलर मोशन, दूसरा होता है नॉन रेगुलर मोशन। इसका मतलब क्या है, जब भी नंबरिंग की बात की जाएगी, अब नंबरिंग का मतलब है कि मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कितना कवर हुआ, टोटल वक्त कितना लगा, यही तो होता है ना, स्पीड कितनी थी, डिस्टेंस कितना कवर किया गया, वक्त कितना था, दैट मींस यहाँ पे जो भी मेजरमेंट होगा वो न्यूमेरिकल में होगा, नंबरिंग में होगा, राइट? तो रेगुलर मोशन इज ऑल अबाउट व्हेन द बॉडी इज मूविंग बट एट अ कॉन्स्टेंट रेट। अगर कोई बॉडी अपने कांस्टेंट रेट पर, कांस्टेंट स्पीड पर, कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड पर मूव कर रही है, तो उसको बोलते हैं रेगुलर मोशन। अगर नॉन रेगुलर की बात की जा रही है, इसका मतलब है अनइक्वल डिस्टेंस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब है स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, ओके? दोनों एक बार और समझो, रेगुलर मोशन का मतलब क्या है कि कॉन्टिन्यूअसली बॉडी जो मूव कर रही है वो सेम स्पीड पर टोटल डिस्टेंस हर बार कवर कर रही है। एग्जाम्पल, 60 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है, 16 किलोमीटर पर आवर पे एक बॉडी है, एक कार है, वो मूव कर रही है हाईवे पे कॉन्टिन्यूअसली हाफ एन आवर तक 60 किलोमीटर पर आवर पर वो उसे मूव किया, तो ये जो मोशन रहेगा वो किस टाइप का रहेगा, दैट विद द रेगुलर मोशन, बिकॉज वहां पर ना स्पीड इंक्रीज हुई है ना फिर डिक्रीज हुई है, ठीक है? बट अगर स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होगी, अगर उसकी स्पीड में चेंजेस होंगे, देन इट विल बिकम अ नॉन रेगुलर मोशन, ओके? अब नॉन रेगुलर मोशन भी दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है? अब देखो यहां पे अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है, तो दो तरीके से होगी। नंबर वन, स्पीड चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूअसली एक ही तरीके से, ठीक है? दूसरा होगा, स्पीड चेंज हो रही है अलग अलग तरीके से, दैट मींस नंबर वन, यूनिफॉर्म मोशन ये बोलेगा कि स्पीड इंक्रीज हो रही है कॉन्टिन्यूअसली, स्पीड इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग, दैट विल बिकम अ यूनिफॉर्म मोशन, एंड स्पीड इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, दैट विल बिकम अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? एग्जाम्पल बताऊं आपको, देखो अगर मैंने ऊपर से किसी पत्थर को थ्रो कर दिया, ठीक है, मैंने ऊपर से किसी पत्थर को थ्रो किया, तो ये क्या रहेगा, मतलब जो स्टोन है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसकी स्पीड कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, बीच में इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं हो रही है ना, इट इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग, दैट विल बिकम अ यूनिफॉर्म मोशन। बट अगर मैंने पत्थर को नीचे से उछाला, ठीक है, पत्थर को नीचे से उछाला, तो पहले उसकी स्पीड डिक्रीज से इंक्रीज होगी,
फिर वो रुकेगा, फिर इंक्रीज से डिक्रीज होगी, है ना। जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो स्पीड है वो इंक्रीज डिक्रीज हो रही, तो इट विल बिकम अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो आपको यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ रहा है, आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ रहा है। इसको एक और एग्जाम्पल से देखिए। देखो अब अगर इसको इस तरीके से एग्जाम्पल से देखें, तो यहां पर एक मूविंग कार है और इस कार में आप देख सकते हैं कि इसने डिस्टेंस कवर किया, जीरो से स्टार्ट किया, जीरो पे इसकी जिसका डिस्टेंस था जीरो मीटर, उसके बाद इसने पहले पोजिशन को एक्वायर किया, इसमें इसने डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर विद द सेम टाइम। बी पोजिशन पे उसने 8 मीटर कवर किया विद द सेम टाइम, एंड 12 मीटर पे भी उसने सेम टाइम पर डिस्टेंस कवर किया। तो ये किस टाइप का मोशन रहेगा, कौन बताया, कमन, विच टाइप ऑफ मोशन इज दिस? यस यस विशाल, फ्लाइट टेक ऑफ भी कह सकते हैं, वेरी नाइस। तो ये बताइए जो इमेज आपको देख रही है, ये किस टाइप का मोशन है, विच टाइप ऑफ मोशन इज दिस? रेगुलर और नॉन रेगुलर, कमन, विच टाइप ऑफ मोशन इज दिस? That is a type of regular motion, because यहाँ पर speed continuously increase decrease नहीं हो रही है, तो ये बन जाता है। हाँ, मैंने क्या पूछा आपसे कि regular है कि non regular है, तो आपको क्या लगेगा यहाँ पे, this is a regular motion, because यहाँ पर जो sorry for that, नहीं ठीक है regular motion नहीं है, okay, so जो पहली वाली image आपको दिख रही है that is the regular motion, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड है वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही है, कॉन्स्टेंटली एक जैसी है। ठीक है, तो दिस विल बिकम अ रेगुलर मोशन। अब अगर दूसरी इमेज की बात करें, तो जस्ट लुक एट द सेकेंड इमेज, यहाँ पे आपको दूसरी इमेज दिख रही है जिसमें 16 मीटर कवर किया, उसके बाद 10 मीटर, फिर 8 मीटर, फिर 2 मीटर, लाइक इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्पीड है ना, और अगर थोड़ा सा इसमें वेरिएशन दे दूं, इसने 8 सेकंड में कवर किया, इसने 4 सेकंड में कवर किया, 5 सेकंड में कवर किया, इस तरीके से उसकी जो डिस्टेंस है और जो उसका टाइम है वो चेंज हो रहा है, तो दिस विल बिकम अ नॉन रेगुलर मोशन, राइट? तो आपको ऊपर वाला समझ में आ रहा है, दैट इज अ रेगुलर मोशन, एंड दूसरा वाला है नॉन रेगुलर मोशन। ठीक है, तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन एक और एग्जाम्पल से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि अभी किसी ने एग्जाम्पल दिया था, एक और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, फ्लाइट टेक ऑफ, राइट? फ्लाइट जब टेक ऑफ कर रही है तो वो कॉन्टिन्यूसली स्पीड इंक्रीज हो रही है। हैमर थ्रो, जैवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, इसमें कौन सी स्पीड लग रही है? दैट इज द यूनिफॉर्म स्पीड लग रही है, कॉन्टिन्यूसली स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि अगर मोशन की बात की जाएगी, तो मोशन बेसिकली दो टाइप में डिवाइड है, एक रेगुलर मोशन, दूसरा नॉन रेगुलर मोशन। जिसमें आप यहां पे बात करेंगे अगर रेगुलर मोशन की, इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर तरीके से स्पीड मेंटेन है, नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन लाइक उसमें जो स्पीड है वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही है, तो उसको बोलते हैं रेगुलर मोशन। एग्जाम्पल, जब भी आप किसी कॉन्स्टेंट चीज को देखते हैं ना, और अगर बात की जाएगी नॉन रेगुलर मोशन की, तो उसका सिंपल मतलब यही है कि जो स्पीड है वो चेंज हो रही है। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है स्पीड कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मोशन का। ओके, सो यस यस, प्लैनेट की अगर बात करें तो प्लैनेट कॉन्टिन्यूसली, ओके, बिल्कुल सही। अगर स्प्रिंटिंग की बात की जाएगी तो स्प्रिंटिंग में भी आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि स्प्रिंटिंग में स्पीड पहले इंक्रीज होगी, फिर उसको मेंटेन किया जाएगा, उसके बाद स्पीड डिक्रीज होगी, तो दिस विल बिकम अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सॉरी, दिस वन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं बायोमैकेनिक्स के कुछ ब्रांचेस की, जिसके मैंने आपको बताया था काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स। ओके, सो बायोमैकेनिक्स की जो दो ब्रांचेस हैं, काइनेमैटिक्स इट डील्स विद द मोशन ऑफ द बॉडी, किस तरीके से बॉडी में मोशन होता है। काइनेमैटिक्स का बेसिकली मतलब होता है एम रिलेट्स विद द मोशन। एम किससे रिलेट कर रहा है? एम रिलेट कर रहा है मोशन से। और अगर काइनेटिक्स की बात की जाएगी तो काइनेटिक्स रिलेट कर रहा है causes of the motion से, किस तरीके से, what is the cause and that is the force। ठीक है, तो अगर बायोमैकेनिक्स में
केवल मोशन की स्टडी की जाती है तो उसको रिलेट करते हैं काइनेमैटिक्स के अंदर में। अगर वो मोशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, दैट इज द फोर्स, फोर्स की वजह से हो रहा है, और फोर्स की स्टडी को काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, सो अब इसके अंदर की अगर बात करते हैं, दैट मींस काइनेमैटिक्स में हम क्या क्या चीज को स्टडी करते हैं, डिस्टेंस को स्टडी करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करते हैं, स्पीड को स्टडी करते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन सब को हम लोग काइनेमैटिक्स में स्टडी करते हैं, काइनेमैटिक्स में रिलेट करते हैं। डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, मतलब कितना मोशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दैट मींस कितना पर्टिकुलरली डिस्टेंस कवर किया गया, कितना मोशन वहां पर हुआ है, तो उसको हम लोग काइनेमैटिक्स में रिलेट करते हैं। अगर काइनेटिक्स की बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीज आएगी, फोर्स, इनर्शिया, मास, वेट, इंपल्स, प्रेशर, मोमेंटम, इस तरीके से यहां पर काइनेटिक्स की बात की जाएगी। आप लोगों के लिए क्या चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा इसके फॉर्मुलेस, फॉर्मुलेस याद कर लेना, फॉर्मुलेस बहुत जरूरी है, और फॉर्मुलेस के बाद इसकी यूनिट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसकी यूनिट याद कर लीजिएगा, इसकी यूनिट क्या होती है पर्टिकुलरली, और इसका मतलब मेजरमेंट क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसको याद कर लीजिएगा, इनर्शिया का मतलब क्या है, उसकी यूनिट क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या है निकालने का, इंपल्स का मतलब क्या है, उसकी यूनिट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वेक्टर एंड स्केलर मैं अभी आपको बताती हूँ संग्राम, यस यस यस, ओके आगे चलते हैं। नाउ अब अगर क्वेश्चंस की बात की जाएगी तो क्वेश्चंस कुछ देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं, ए बी सी डी, ओके। सो काइनेमैटिक्स एनालिसिस द इफेक्ट ऑफ, अगर काइनेटिक्स की बात की जाएगी, अगर काइनेमैटिक्स की बात की जाएगी तो काइनेमैटिक्स का जो काइनेमैटिक्स एनालिसिस द इफेक्ट ऑफ, काइनेमैटिक्स किसको एनालिसिस कर रहा है, सो द आंसर इज डी, ओके। सो सही आंसर इसका डी होगा, फोर्थ का डी इज द करेक्ट आंसर, टाइम एंड स्पेस ऑफ द मूवमेंट्स, ओके। नाउ अगर बात की जाएगी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बेटर एग्जाम्पलीफाइड, तो इनमें से कौन सा लग रहा है आपको, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की अगर बात की जाएगी तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मतलब मोशन की बात की जा रही है, मोशन को हम लोग रिलेट करते हैं, ओके। सो देखिए यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात यहाँ पे जो की जा रही है कि मोशन किस तरीके से होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ में यही तो होता है। न्यूटन ने क्या बताया था, अगर एप्पल ऊपर से गिरा है ग्रेविटी की वजह से तो उसमें मोशन हुआ, बट मोशन का कॉज क्या है, मोशन क्यों हुआ, मोशन तो हुआ बट मोशन किस वजह से हुआ, उसकी स्टडी की जाती है न्यूटन्स लॉ में। तो इसीलिए इसका आंसर ए दिया हुआ है काइनेटिक्स, बिकॉज काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ द मोशन विच मींस द फोर्सेस, ओके। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लीनियर मोशन की, तो लीनियर मोशन इज ऑल्सो नोन एज, तो लीनियर मोशन को और क्या कहा जाएगा, सो लीनियर मोशन इज ऑल्सो नोन एज दी ट्रांसलेटरी मोशन, तो इसको ट्रांसलेटरी मोशन भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसके बाद अगर आगे बात करें तो आगे देखिए सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जो एक कॉमन चीज है वो ये कि जब भी फोर्स एक एंगुलर मोशन पे होगा, क्योंकि ये जैसे आप देख सकते हैं कि एक एथलीट है, उस एथलीट ने हैमर को पकड़ा हुआ है, ठीक है, और हैमर को जहां से पकड़ा हुआ है दैट विल बिकम अ एक्सिस। ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है, दिस पॉइंट इज एक्सिस, इसको एक्सिस भी हम बोल सकते हैं, इसको फलक्रम भी कह सकते हैं, ठीक है, एक्सिस भी कह सकते हैं, उसको फलक्रम भी कह सकते हैं, ठीक है। नाउ जब भी कोई मोशन पर्टिकुलर एक्सिस पे होता है, फलक्रम पे होता है, तो उसको एंगुलर मोशन कहते हैं। तो जब भी एंगुलर मोशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, फोर्सेस की वजह से हो रहा है। सो द एंगुलर फोर्सेस आर नोन एज द ईदर सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अच्छा ये बताइए सभी लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है, सभी लोगों को जो भी टॉपिक यहाँ पे लाइक मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, एक बार प्लीज मुझे बता दो जो भी चीजें यहाँ पे चल रही है क्लास में, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज कंडीशन, ओके, बिकॉज मुझे पता होना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, ओके। तो सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रिपिटल रिलेट करता है टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब टुवर्ड्स द एक्सिस, अंदर की तरफ, जैसे एरो भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, रेड कलर का एरो दिख रहा है, दिस इज सेंट्रिपिटल,
फोर्स जो कि एक्सिस की तरफ उसको मूव करवा रहा है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बेसिकली द फोर्स विच इज मेकिंग आउट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर की तरफ लेके जाता है. ठीक है, फोर्सेस का मतलब क्या है कि ऐसा मतलब फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है, और मोशन किस तरीके से हो रहा है, दो तरीके से हो रहा है, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ. तो ऐसा फोर्स जो उस हैमर को बाहर की तरफ लेके जा रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक ऐसा फोर्स जो हैमर को सेंटर की तरफ लेकर आ रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. इतना ही आपको याद रखना है. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में देखिए आप यहां पर, सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट इज नेसेसरी टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ कर्व पाथ. अगर सेंट्रीपिटल फोर्स को हटा दिया जाए तो कभी भी एक एंगुलर मोशन नहीं हो सकता. एंगुलर मोशन के लिए इट शुड हैव अ सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज़ वही एक फोर्स है जो कि उस हैमर को, उस बॉडी को मूवमेंट की तरफ रखता है, अंदर की तरफ ढकेलता है. ओके, दैट इज डायरेक्टेड इनवर्ड, जो कि अंदर की तरफ उसको लेके जाता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन, और कैन से एक्सिस, और कैन से फल्क्रम. अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका जस्ट अपोजिट होता है. इट इज डिफाइंड एज द अपेरेंट फोर्स, अपोजिट फोर्स दैट इज फेल्ट बाय द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ कर्व पाथ दैट एक्ट्स आउटवर्डली अवे फ्रॉम द फुलक्रम एक्सिस और सेंटर ऑफ द रोटेशन. ठीक है, तो जब भी कोई बॉडी एक एंगुलर मोशन में मूव कर रही है तो वहां पर उसे ऐसा फोर्स फील होता है जो उसे बाहर की तरफ ढकेलता है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, इसकी एक और यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, एक और डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर रियली द एग्जैक्ट सेम फोर्स. दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं, एक अंदर की तरफ दूसरा बाहर की तरफ, केवल इतना ही इसका डिफरेंस है, इतना इसका मतलब है, जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस फ्रॉम द डिफरेंट फ्रेम ऑफ References. ये इसका रीजन है. ओके, नाउ अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, 200 मीटर में, 400 मीटर में जब भी कर्व्ड पाथ आता है तो वहां पर हमारे बॉडी को मुड़ने में दिक्कत क्यों होती है? और एक ऐसा पोजीशन है जिस पोजीशन पे अगर हमने उस पोजीशन को एक्वायर करे तो हमें मुड़ने में दिक्कत नहीं होती है. दैट मीन्स जब भी रिलेस की बात होती है तो आपने देखा होगा कि रिलेस में भी ये डिसाइड होता है कि जो एथलीट है वो स्ट्रेट भागेगा या फिर कर्व भागेगा, बिकॉज कर्व में भागना इट्स अनदर स्किल, वो अलग स्किल है. किस तरीके से? जब 200 मीटर में भागना होता है दैट मीन्स इट्स अ कर्व, और कर्व का मतलब है कि वहां पर बॉडी के अंदर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिलेट होगा, फील करेगा. ठीक है, तो उस फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को थोड़ा सा लीन कर लेते हैं, मतलब अंदर की तरफ उसको लीन कर लेते हैं, बेंड कर लेते हैं, ताकि हमारी बॉडी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील ज्यादा ना हो. बिकॉज अगर बॉडी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा फील होगा, बॉडी कभी भी मुड़ नहीं पाएगी. बिकॉज मैंने अभी बताया था, अगर किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करना है तो यू शुड इंक्रीज द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड यू शुड डिक्रीज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये चीज समझ में आ रही है ना कि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर ढकेल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर लेकर आ रहा है. तो अगर आपको अंदर की तरफ भागना है 200 मीटर में क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जब एथलीट भाग रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ाने के लिए ही इज बेंडिंग द पोजीशन, जिसकी वजह से उसका सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाता है और वो प्रॉपर तरीके से मूव कर पाता है. ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही है? यस 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 आभा, इकबाल, संग्राम, इकबाल, सौरभ, कोमल, विधु, गेटिंग द पॉइंट, वेरी नाइस. ओके, अब यहीं पर एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, वेलोड्रोम, जिसमें हम लोग साइकिलिंग की बात की जाती है, बाई साइकिलिंग है ना, और जब भी राइडिंग की बात करते हैं उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा जब भी बाइक्स की रेसिंग होती है उसमें भी जब मुड़ना होता है, शार्प कट होता है, तो शार्प कट के लिए वो थोड़े से बैंड होते हैं. उसका रीजन ये है बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, ताकि वो प्रॉपर तरीके से बैंड हो पाए, प्रॉपर तरीके से मूव कर पाए एक सर्कुलर पाथ में, एक कर्व पाथ में. सो दिस इज द लॉजिक ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. यू शुड नो
कि कब आपको सेंट्रिपिटल फोर्स बढ़ाना है एंड यू शुड नो कि कब आपको सेंट्रिफ्यूगल फोर्स बढ़ाना है। इस तरीके से चीजें होती हैं। अब अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आपको एग्जांपल में आगे और भी आपको बताती हूँ कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की अगर बात की जाए, सो इन सारी चीजों को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो एरियाज में डिवाइड करते हैं। या तो ये जो मेजरमेंट है, क्वांटिटी है, वो स्केलर है या फिर वो वेक्टर है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर एंड वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो ये सारी चीजें ना बहुत डिटेल में है, बट डिटेल में जाने का हमारा अब वक्त नहीं है। अब चीजों को आपको ओवरव्यू करना पड़ेगा बिकॉज एग्जामिनेशन बस आ गया है, ठीक है, 29 को एग्जाम है। तो अगर आपने इस चीजों को डिटेल में नहीं समझा तो इट्स ओके, अभी डिटेल में मत समझना, अदरवाइज सब कुछ बेकार हो जाएगा। अभी जितना ज्यादा हो सके आपका मेन फोकस इन ओवरव्यू के ऊपर होना चाहिए, इन चीजों के ऊपर होना चाहिए कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, ओके हटाओ अभी नेक्स्ट लेकर आओ, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। प्लस एमसीक्यूज, ये जो वक्त है आपका, आपका मेन फोकस एक ओवरव्यू और एमसीक्यूज प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा होना चाहिए। इस वक्त में डिटेल में पढ़ना मत, अदरवाइज बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। बट एक बार पीजीटी का एग्जाम हो जाएगा, अगला एग्जाम टीजीटी का है, उसके लिए भी आप लोगों ने 100% फॉर्म भरा होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। एक महीने का वक्त आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। ओके, सो अगर स्केलर की बात की जाएगी तो स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या है? इट इज हैविंग ओनली मास। ओके, और अगर किसी बॉडी में, किसी क्वांटिटी में मास भी है और डायरेक्शन भी है, तो इसका मतलब है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, देखो सपोज करिए a body is moving, suppose करो a 50 kilogram body is moving, ठीक है। ये क्या हो गया, अगर मैंने ये लाइन आपके लिए लिख दी है कि a 50 kilogram body is moving, so what is the meaning of this? This means कि यहां पर स्पीड की बात की जा रही है। a 50 kilogram body is moving, थोड़ा सा और अगर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, अ 50 किलोग्राम बॉडी इज मूविंग विद 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसको और अच्छे से डिटेल कर लिया कि 50 किलोग्राम बॉडी इज मूविंग विद 50 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पे किस चीज की बात की जा रही है? एक तो बॉडी की बात की जाए, बॉडी की जो वेट है वो 50 किलोग्राम है, बॉडी का जो मैग्नीट्यूड है वो 50 किलोग्राम है, और इसकी स्पीड की बात की जा रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की बात की जा रही है। दैट मींस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज यहां पर कहीं पर भी डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं है, यहां पर केवल ये बता रहा है कोई बॉडी है वो मूव कर रही है, और कितने अमाउंट की बॉडी मूव कर रही है, दैट इज द ओके। अब यहां पर अगर मैं वेक्टर का एग्जांपल दूं, तो वेक्टर का एग्जांपल कुछ इस तरीके से आएगा, अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम अ 50 किलोग्राम बॉडी इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, टूवर्ड साउथ, ठीक है। सो इस तरीके से अगर यहां पे कुछ लिखा होगा कि अ 50 किलोग्राम बॉडी इज मूविंग विद 50 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दैट मींस इट इज हैविंग अ डिस्टेंस, इट इज हैविंग अ स्पीड एंड इट इज ऑल्सो हैविंग अ डायरेक्शन, तो दिस विल बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा कि जब भी किसी मेजरमेंट में डायरेक्शन की भी बात की जाती है तो इसका मतलब है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जब किसी में केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात की है तो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें कुछ अगर बात करें तो इसमें ये चीजें आ जाती हैं, डिस्टेंस पी, वेक्टर में आगे डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, सो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब इसको डिटेल में मैं अभी तो नहीं आपको समझा पाऊंगी, लेकिन ये है कि कभी इन फ्यूचर अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है।
लेकिन अच्छा, इसको अगर आपको और डिटेल में समझना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, उस बायोमैकेनिक्स के वीडियोस को जाके जरूर देखिएगा, वहां पर डिटेल में आपको इसका मीनिंग जरूर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज है उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल से भी बता दिया कि 50 किलोग्राम बॉडी अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है तो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अगर वही बॉडी अगर टुवर्ड्स साउथ मूव करते हैं, दैट मींस मैंने यहाँ पे स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन को भी रिलेट किया है, तो ये बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर मेजरमेंट। ओके, वेट क्या होगा? वेट क्या होगा मतलब? वेट तो 50 किलोग्राम यही है वेट। एक्चुअली वेट और मास में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इट इज नॉट वेट, इट्स अ मास। एक्चुअली ये मास है। ओके, चले ना, अगर लीवर सिस्टम की बात की जाए तो भाई देखो, अभी तक हम लोगों ने जितना भी स्टडी कर लिया है, समझ में आ रही चीजें आपको, अब हम लोग लीवर सिस्टम की बात करने वाले हैं। लीवर सिस्टम इज ऑल अबाउट द लाइक रोटेटरी फोर्सेस। ठीक है, तो जब भी कोई रोटेटरी फोर्सेस होते हैं तो रोटेटरी फोर्सेस के लिए आपको लीवर सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और अगर लीनियर मोशन और रोटेटरी मोशन की बात की जाएगी या फिर लीनियर फोर्स और रोटेटरी फोर्स की बात की जाएगी तो विच इज मोर पावरफुल, कम ऑन आप बताएंगे। If we talk about the linear force and rotatory force, तो which is more powerful? Linear force ज़्यादा powerful है या फिर angular force और rotatory force ज़्यादा powerful है? कौन सा लगता है आपको, क्या लगता है? Yes, स्मृति, you are correct. यस यस, एक मिनट होल्ड करेगा प्लीज, एक मिनट होल्ड करेगा। Yes, तो बिल्कुल सही है, तो दैट विल बी द एंगुलर फोर्स। बहुत बढ़िया, रोटेटरी फोर्स और एंगुलर फोर्स। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग आगे बात करने वाले हैं। चले ओके, नाउ लीवर सिस्टम की जब बात किया तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीवर सिस्टम? सो क्लासिफाइड सिस्टम ऑफ द टॉर्क। तो भाई जब भी हम लोग जब भी एंगुलर फोर्स की बात करेंगे तो वो ज्यादा होता है, इसीलिए एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जितने भी रोटेटरी फोर्सेज होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जितने भी डिस्कस थ्रो में, शॉर्टपुट में स्पिनिंग मूवमेंट यूज करते हैं, व्हाई, व्हाट इज द रीजन ऑफ स्पिनिंग मूवमेंट? पहले तो नहीं होता था लेकिन अभी थ्रोइंग के टाइम पर स्पिनिंग मूवमेंट यूज करते हैं। व्हाई? बिकॉज स्पिनिंग मोशन, इसका मतलब है स्पिनिंग फोर्सेस और कह सकते हैं एंगुलर फोर्सेस। तो जो स्पिनिंग हो रही है वहां पे एंगुलर फोर्सेस है और एंगुलर फोर्सेस का इफेक्ट ज्यादा होता है, इसी की वजह से अभी हर एक स्किल में जो स्पिनिंग मूवमेंट्स है वो ज्यादा यूज किए, इस्तेमाल होते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ टॉर्क। तो वो क्या है? वो एक टॉर्क है। सो लीवर सिस्टम इज ऑल अबाउट द क्लासिफाइंग सिस्टम ऑफ द टॉर्क। एंड व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज द रोटेटरी फोर्स। तो टॉर्क क्या है? टॉर्क एक रोटेटरी फोर्स है। ठीक है, रिलेटिव पोजिशन ऑफ द फोर्स, resistance and axis of the rotatory variant, different types of the class of the lever. So levers different different types ke hote hain. So basically lever ka matlab kya hai? So lever is basically a body. Lever kya hai? Lever a body hai aur keh sakte hain koi machine hai aur keh sakte hain koi bhi ek object hai, anything. Theek hai, koi bhi cheez lever ki tarike se use ho sakti hai. And what is the main function of the lever? The main function of the lever is to increase the प्रोडक्शन, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड डिक्रीज द ह्यूमन एफर्ट। ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करके प्रोडक्शन को बढ़ाना, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लीवर। मशीन्स यूज करते हैं हम सब लोग, मशीन्स क्यों यूज करते हैं? ताकि हमारा ह्यूमन एफर्ट जो है वो कम हो जाए और जो काम है वो जल्दी से हो जाए, तो हम लोग मशीन्स को यूज करते हैं। दैट मशीन इज बेसिकली अ लीवर। अगर किसी मशीन में रोटेटरी मोशन हो रहा होगा, याद करिएगा, अगर किसी मशीन में रोटेटरी मोशन हो रहा होगा, दैट मींस दिस इज अ लीवर एंड वो लीवर में अंदर टॉर्क है। एंड व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज द रोटेटिंग फोर्स। ठीक है, तो
लीवर में एडवांटेज किस चीज का मिल रहा है आपको? हाई प्रोडक्शन और ह्यूमन एफर्ट कम हो रहा है, बट किस वजह से? बिकॉज यहाँ पे रोटेटरी फोर्स आपको मिलता है, जिसकी वजह से आपका जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है और काम जल्दी पूरा हो पाता है। हाँ, वो मैं अभी संग्राम इसके आगे आपको बताती हूँ, ठीक है? तो आपको लीवर सिस्टम यहाँ पे समझ में आ रहा है, लीवर सिस्टम का मेन पर्पस आपको समझ में आ रहा है। लीवर सिस्टम में तीन टाइप्स के लीवर होते हैं, Class 1 लीवर, Class 2 लीवर, Class 3 लीवर। उसके अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स में फल्क्रम, मूवमेंट आर्म और फोर्स आर्म और असिस्टेंस आर्म और लोड आर्म, ठीक है? फल्क्रम का बेसिकली मतलब है सेंटर और एक्सिस, उसको सेंटर भी कहते हैं, उसको एक्सिस भी कहते हैं, उसको फल्क्रम भी कह सकते हैं। व्हाट इज अ मूवमेंट आर्म और फोर्स आर्म? मूवमेंट आर्म और फोर्स आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम एंड फोर्स, एंड रेसिस्टेंस आर्म का मतलब है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम एंड रेसिस्टेंस, ओके? और कह सकते हैं लोड। फोर्स को एफर्ट भी बोल सकते हैं और रेसिस्टेंस को लोड भी कह सकते हैं, ऐसा ही है? यस 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 संग्राम, ओके। तो फल्क्रम, एफर्ट और लोड, ओके। अब इसमें अगर एफर्ट और फल्क्रम के बीच का जो एरिया होता है दैट इज नोन एज द एफर्ट आर्म, एंड एंड रेजिस्टेंस और फल्क्रम के बीच के एरिया को बोलते हैं लोड आर्म, ठीक है? इसको डिटेल में मैं आपको आगे बताता हूँ। इसे स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिए, फर्स्ट डायग्राम यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली कि बीच में है फल्क्रम, ठीक है? और एक तरफ है रेसिस्टेंस, ओके, और कह सकते हैं लोड, इसको लोड भी बोल सकते हैं, और एक तरफ है अप्लाइड फोर्स और इसको एफर्ट भी कह सकते हैं। ये ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अब फल्क्रम और लोड के बीच के एरिया को क्या कहते हैं, दैट इज द रेसिस्टेंस आर्म। उसके बाद फल्क्रम और एफर्ट के बीच के एरिया को क्या कहते हैं, फोर्स आर्म, ठीक है? तो उसको फोर्स आर्म कहा जाता है, ठीक है? इसके बाद अगर हम लोग सेकेंड डायग्राम की बात कर रहे हैं तो सेकंड डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो फल्क्रम है, फल्क्रम साइड में है, बीच में है फोर्स, सॉरी बीच में है रेसिस्टेंस, और कह सकते हैं बीच में लोड है, और साइड में है एफर्ट, ओके? तो दिस विल बिकम अ Class 2 लीवर, दिस विल बिकम अ Class 1 लीवर एंड दिस इज द Class 3 लीवर, ओके? तो क्लियरली आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। Class 1 लीवर में बीच में है फल्क्रम, एक तरफ है लोड, एक तरफ है एफर्ट, बीच में रेसिस्टेंस आर्म, दैट रेसिस्टेंस आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड द फल्क्रम, एंड द एफर्ट आर्म इज डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम एंड द एफर्ट। उसके बाद अगर Class 2 लीवर की बात कर रहे हैं तो Class 2 लीवर में आपको क्लियरली दिख रहा है कि बीच में लोड है और एक तरफ है फल्क्रम और एक तरफ है एफर्ट। और अगर Class 3 लीवर की बात करें तो Class 3 लीवर में आपको समझ में आ रहा है कि बीच में है एफर्ट, एक तरफ है फल्क्रम और एक तरफ है आपका लोड, ओके? दिस इज लोड। नाउ कैन यू प्लीज आंसर माय क्वेश्चन? माय क्वेश्चन इज इन विच टाइप ऑफ क्लासेस रेसिस्टेंस आर्म इज लॉन्गर देन एफर्ट आर्म, ठीक है? तो माय क्वेश्चन इज इन विच क्लास ऑफ लीवर रेसिस्टेंस आर्म इज लॉन्गर देन एफर्ट आर्म? कौन सी क्लास ऑफ लीवर में रेसिस्टेंस आर्म एफर्ट आर्म से बड़ा होता है? कम ऑन, जल्दी से बताइए। और इसका आंसर जिसने भी दे दिया, मतलब ये मान लीजिएगा कि उस इंसान ने जो एक ट्रिक होती है किसी भी क्वेश्चन की वो समझ ली है, और मैंने जो पूछा हुआ है वो घुमा के पूछा हुआ है। इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन, इसको इजी में मत लीजिएगा, इसको इजी में मत लीजिएगा, थोड़ा सा ट्रिक समझो इसके पीछे। मैंने क्या पूछा हुआ? ऑफकोर्स मैंने इतना इजी तो नहीं पूछा होगा। ट्रिक क्या है एग्जाम्पल में? कीर्ति, मैं ट्राई करूंगी, आई विल ट्राई टू गिव द एग्जाम्पल। ओनली 3 ग्लास, यस गीता, यस यस गीता ने उसका आंसर शायद दे दिया है। यस यस गीता, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सो द आंसर इज 3rd क्लास लीवर एंड द 1st क्लास लीवर। दोनों क्लासेस ऑफ लीवर में रेसिस्टेंस आर्म एफर्ट आर्म से ज्यादा हो सकता है। तीसरा क्लास का लीवर तो आपको समझ में आ ही रहा है, राइट? यस यस रागनी,
तीसरी क्लास ऑफ लीवर तो आपको समझ में आ रहा है भाई, देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस आर्म ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो भाई थर्ड तो है ही है, बट फर्स्ट भी हो सकता है बिकॉज दिस फल्क्रम कैन बी चेंज। फल्क्रम इधर से उधर शिफ्ट हो सकता है, अगर फल्क्रम थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाए, अगर फल्क्रम थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? दैट मीन्स रेसिस्टेंस आर्म विल बिकम अ लॉन्गर आर्म देन द एफर्ट आर्म। तो ऐसा हो सकता है ना? यस, इट कुड बी पॉसिबल। ओके, सो ये जो क्लास वन लीवर है, इट कुड बी ट्रीटेड एज ऑल द टाइप्स ऑफ लीवर। इसमें क्लास वन के लिए भी जो जो प्रॉपर्टीज है वो भी यूज होती है, क्लास टू की प्रॉपर्टीज है वो भी यूज होती है, क्लास थ्री की प्रॉपर्टीज ये भी यूज होती है, और जो क्लास थ्री लीवर है, क्लास थ्री लीवर में तो रेजिस्टेंस आर्म ज्यादा है ही है। ओके, अब जो मैंने आपको यहाँ पे आर्म के बारे में पूछ रही हूँ कि क्लास वन लीवर में रेसिस्टेंस आर्म फोर्स आर्म किस तरीके से बड़ा होगा छोटा होगा, इसका मतलब क्या है? मैं क्यों आपसे बार बार पूछ रही हूँ? बिकॉज इसका सीधा एडवांटेज रहता है मैकेनिकल एडवांटेज में। मतलब इसी की वजह से आपको ये समझ में आएगा कि जो पर्टिकुलर मशीन है वो आपको किस तरीके का बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। देखिए, अगर मैकेनिकल एडवांटेज की बात की जाएगी तो यहाँ पे देखिए कि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है फोर्स आर्म अपॉन रेसिस्टेंस आर्म। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब क्या है कि जो भी लीवर आपने अपनी अपने काम के लिए यूज किया है वो आपको किस तरीके का एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है, और एडवांटेज किस चीज का होता है? फोर्स का होता है। ठीक है, तो क्या वो आपके एफर्ट को रिड्यूस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? अगर कोई भी मशीन आपके एफर्ट को, ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस कर पा रही है, तो इसका मतलब है यस, दैट मशीन इज हैविंग अ इज हैविंग अ मैकेनिकल एडवांटेज। बट अगर वो आपके एफर्ट को रिड्यूस नहीं कर पा रही है, दैट मींस इट इज नॉट हैविंग अ मैकेनिकल एडवांटेज। इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, फोर्स आर्म अपॉन रेसिस्टेंस आर्म। तो कौन मुझे आंसर देगा कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है जिसमें फोर्स आर्म बड़ा होना चाहिए, रेसिस्टेंस आर्म छोटा होना चाहिए, ऐसे कौन से क्लासेस ऑफ लीवर्स हैं जिसमें फोर्स आर्म रेसिस्टेंस आर्म से बड़ा होता है? कम ऑन, विच टाइप ऑफ क्लासेस ऑफ लीवर्स आर देयर इन विच फोर्स आर्म इज लॉन्गर देन रेजिस्टेंस आर्म? कम ऑन कम ऑन, अब तो आंसर सही होना चाहिए। अभी तो मैंने इससे पहले पूछ लिया था, क्या लगता है आपको? अरे गोपाल गोपाल, आपने वो आंसर दिया है जो है ही नहीं। वर्षा, आपने समझा नहीं, लगता है आप समझ नहीं पाए। ऐसे कौन से क्लासेस ऑफ लीवर्स हैं जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज होता है और फोर्स आर्म रेसिस्टेंस आर्म से ज्यादा होता है? एग्जैक्टली वर्षा, दैट इज फर्स्ट क्लास लीवर एंड द सेकंड क्लास ऑफ लीवर बोथ। ओके, क्योंकि इन दोनों में हम एफर्ट आर्म को रेसिस्टेंस आर्म से ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? अब मैकेनिकल एडवांटेज की अगर डेफिनेशन की बात करें, सो दिस इज द इफेक्टिवनेस ऑफ द लीवर एट मूविंग अ रेसिस्टेंस। जब भी हम किसी लोड को ओवरकम करते हैं, लोड को ओवरकम करने के लिए आपको फोर्स चाहिए, तो यहाँ पे फोर्स जो है वो कितना उस मशीन के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से आपको एडवांटेज मिल रहा है, दैट इज द मैकेनिकल एडवांटेज। दिस इज बेनिफिटेड बाय द मशीन, इट इज मेजर्ड बाय द रेशियो कॉल्ड एज द मैकेनिकल एडवांटेज। इसका फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज मेजर ऑफ हाउ मेनी टाइम्स अ सिंपल मशीन मल्टीप्लाई द एफर्ट अप्लाई टू द लोड। इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी लोड को, रेसिस्टेंस को ओवरकम करना था, तो ओवरकम करने के लिए जो भी आपने मशीन को यूज किया, उस मशीन ने आपको कितना हेल्प प्रोवाइड किया, कितना एडवांटेज प्रोवाइड किया, उसी को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज के लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पे फोर्स आर्म ज्यादा बड़ा होना चाहिए। जो भी टॉपिक मैं आपको क्लास में समझा रही हूँ, मेरी क्लास में दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, या तो उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा है 100%, दूसरे उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। जिनको समझ में आ रहा है इसका मतलब है उनकी पढ़ाई हो चुकी है, यहां से उनका प्रॉपर रिवीजन हो रहा है, और जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि एग्जांपल, मैम प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन द एग्जांपल आल्सो, मैम ये कैसे होगा, मैम वो कैसे होगा, मतलब ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें शायद प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मैंने अभी आपको बताया, दिस टाइम डोंट गो डीप, डीप में मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। ये कॉन्सेप्ट समझने का
टाइम अभी नहीं है, आप केवल उस चीज को समझो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैकेनिकल एडवांटेज के लिए फोर्स आर्म ज्यादा होना चाहिए, रेजिस्टेंस आर्म कम होना चाहिए। इतना समझ लिया, किसमें होता है वो समझ लिया, क्यों होता है वो समझ लिया, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, कब होता है, किस लिए होता है वो समझ लिया, काफी है ना। अब एग्जाम्पल से इसका रीजन ढूंढने जाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, वहां मत जाओ, अभी के लिए इतना समझो, ठीक है। आगे चलते हैं। अनिल अनिल वेट वेट ओके, तो यहाँ पे अगर मैकेनिकल एडवांटेज की बात की जाए तो मैकेनिकल एडवांटेज में देखेंगे तो आप तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास लीवर जो है उसमें मैकेनिकल एडवांटेज है। इसका मतलब है इन दो क्लास ऑफ लीवर से आपका फोर्स जो रहता है, फोर्स मतलब आप कम से कम एफर्ट से ज्यादा लोड को उठा सकते हैं। ये तो मतलब है कि मतलब फर्स्ट क्लास लीवर और सेकंड क्लास लीवर को अगर आपने यूज कर लिया तो इसका मतलब यही है कि आप कम से कम एफर्ट से ज्यादा लोड को उठा सकते हैं, है ना। अब यहां पर अगर क्लास थ्री लीवर की बात की जाएगी तो क्लास थ्री लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज नहीं होता, बिकॉज क्लास थ्री लीवर में जो एडवांटेज मिलता है वो स्पीड का मिलता है, ठीक है। तो क्लास थ्री लीवर में एडवांटेज कैसे मिलता है, स्पीड का मिलता है। मतलब यहां पर आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा लेकिन आपको स्पीड का एडवांटेज जरूर मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। यस ओके यशवीर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। ओके कैन एनीबडी टेल मी मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू व्हाट नंबर, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू What number, which numerical value से relate करता है mechanical advantage? Come on, mechanical advantage किस से relate करता है, किस numerical value से relate करता है? Come on, mechanical advantage should be equal to, हाँ भाई like कर दो यार like कर दो like, अगर video पसंद आ रहा है तो like जरूर करना, नहीं पसंद आ रहा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं अगली बार वीडियो और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी। बट अगर पसंद आ रहा है तो ईमानदारी से लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है जब मुझे पता चलता है, जब एक फीडबैक, आपके लाइक्स ही मेरे लिए फीडबैक है। ओके सो यस 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 ओके ओके अबेला सिंपल लिविंग, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच। ओके अच्छा आंसर तो बताओ, यस द आंसर इज वन। ओके सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वन। ओके तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वन है और ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब है एडवांटेज मिल रहा है किसको, फोर्स को। लिखते जाओ ये सारी चीजें, लिखते जाओ। अगर मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वन है और अगर ग्रेटर देन वन है तो इसका मतलब है एडवांटेज किसको मिल रहा है, फोर्स को एडवांटेज मिल रहा है। और अगर इक्वल टू वन है इसका मतलब होता है इट इज फॉर बैलेंस। एक्चुअली अगर मैकेनिकल एडवांटेज का आंसर वन आ रहा है, मतलब फोर्स आर्म और एफर्ट आर्म, सॉरी फोर्स आर्म और रेजिस्टेंस आर्म दोनों इक्वल है, इसका मतलब है आंसर हमेशा वन आएगा। वन का मतलब है दैट इज द बैलेंसिंग कंडीशन। अगर फोर्स आर्म ज्यादा है, रेजिस्टेंस आर्म कम है, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन वन, इसका आंसर होगा ग्रेटर देन वन, इसका मतलब है एडवांटेज मिल रहा है फोर्स को। लिखते जाओ, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस आर्म ज्यादा है, फोर्स आर्म कम है, तो यहां पर ओहो मैंने साइन गलत बता दिया, एक्चुअली सॉरी फॉर दैट, साइन गलत है, साइन को चेंज कर लेना, ये रहेगा साइन। ओके नाउ दिस साइन, ओके इसका मतलब है कि एडवांटेज मिल रहा है स्पीड को, ठीक है। ओके सो यहाँ पे तीन टाइप के आपको क्लासेस ऑफ लीवर दिख रहे हैं। क्लास वन लीवर में आपको बैलेंसिंग का एडवांटेज मिल रहा है, क्लास टू लीवर में आपको फोर्स का एडवांटेज मिल रहा है, जिसका मतलब है मैकेनिकल एडवांटेज। और ये तब होगा जब आंसर वन से ज्यादा आएगा, और वो हमेशा आता है, ठीक है। अगर क्लास थ्री लीवर की बात नहीं, तो क्लास थ्री लीवर में आपको एडवांटेज मिलता है स्पीड का। व्हाई? बिकॉज इसमें मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिलता है, बिकॉज मैकेनिकल एडवांटेज इज लेसर देन वन, ठीक है। सो आपको ये चीजें समझ में आ रही है, मेजरमेंट समझ में आ रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला समझ में आ गया। अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो हो पाएगा, कर पाओगे कि नहीं महिमा, मेरी जो क्लासेस है वो ऐसी ही होती है, जो मेरी यूजीसी की क्लासेस है और मेरी टीजीटी पीजीटी की जो पेड क्लासेस, वो भी सेम ऐसी ही होती है, ऐसी ही पीपीटी होती है, ऐसे ही मैं वहां पे बोलती हूँ। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लासेस होती है, ठीक है। ओके सेम सेम इसी तरीके की क्लास होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, दिस इज क्लास वन लीवर, जिसका मतलब है दिस इज फॉर बैलेंस,
बैलेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस आर्म और फोर्स आर्म दोनों इक्वल हैं। दूसरा, अगर क्लास टू लीवर की बात करें तो क्लास टू लीवर में आप देखेंगे कि यहाँ पे फोर्स आर्म ज्यादा है और रेसिस्टेंस आर्म छोटा है, तो फोर्स आर्म इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंस आर्म। इसका मतलब है कि एडवांटेज किसको मिलेगा? फोर्स को मिलेगा, बिकॉज मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन वन। अब यहाँ पे क्लास थ्री लीवर की बात करेंगे तो क्लास थ्री लीवर में यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास रेसिस्टेंस आर्म इज ग्रेटर देन फोर्स आर्म और इसका एडवांटेज किसको मिल रहा है? स्पीड को मिल रहा है, बिकॉज इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू है वो है लेसर देन वन। ठीक है, सो इस तरीके से आपको यहाँ पे चीजें समझनी है। ओके, नाउ एग्जांपल्स के लिए आप जाके देख सकते हैं, आराम से आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि लीवर सिस्टम का भी अगर आपको वीडियो डिटेल में समझना है, बहुत एक्सीलेंट टाइप का वीडियो दिया हुआ है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिएगा वो लीवर सिस्टम। अगर आपने उस वीडियो को समझ लिया ना, आप ये मान लीजिए कि आपको लीवर के बारे में कभी भी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, बट मैं इस क्लास में हर चीज को कवर नहीं कर सकती, तो वो थोड़ी सी लिमिटेशन है बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन। ओके, नाउ फोर पार्ट्स होते हैं लीवर के, एक लीवर आर्म और कह सकते हैं लीवर बार। ठीक है, दूसरा हो गया पिवट पॉइंट और कह सकते हैं फल्क्रम, सेंटर पॉइंट, एफर्ट और लोड। ठीक है, यही तो होते हैं लीवर में, यही कुछ होता है। अगर हम अपने बॉडीज की बात करें, ठीक है, तो जिसमें से तीन चार स्टूडेंट्स यहाँ पे बोल भी रहे थे कि किस तरीके से बॉडीज हम अपनी बॉडी को भी यूज करते हैं। ओके, वी आर यूजिंग आवर बॉडी टू प्ले द स्पोर्ट्स, है ना। स्पोर्ट्स में हम एफर्ट को बढ़ाते हैं, हम कभी एफर्ट को बढ़ाते हैं, कभी हम स्पीड को बढ़ाते हैं, ऐसा होता है। कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको स्पीड की रिक्वायरमेंट है, कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल रेसलिंग, एग्जाम्पल पावर लिफ्टिंग, इसमें आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट है। स्पीड किसमें चाहिए? एथलेटिक्स में आपको स्पीड चाहिए, और एथलेटिक्स हो गया, हॉकी हो गया, बास्केटबॉल हो गया, इसमें आपको स्पीड ज्यादा चाहिए, स्पीड एजिलिटी, राइट। तो यहाँ पे अपनी बॉडी को भी हम लीवर की तरीके से यूज करते हैं। लीवर का मतलब है किस तरीके से हम कोई भी एक्टिविटी में कोई एडवांटेज बढ़ा रहे हैं, वही तो मतलब हुआ। तो अगर बॉडीज की बात करें तो बॉडीज में लीवर किस तरीके से बनता है? लीवर को बनने के लिए कुछ पार्ट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। किस तरीके से? नंबर वन, आपको बार चाहिए, आपको पिवट पॉइंट चाहिए, आपको एफर्ट चाहिए, आपको लोड चाहिए, बस बन गया लीवर। ये लीवर बनाने की रेसिपी है, ठीक है। ओके, तो अगर हम अपने बॉडीज की बात कर रहे हैं, बॉडीज को देखिएगा, बोन्स विल रिलेट विद द लीवर आर्म्स और कह सकते हैं लीवर बार। तो जो हड्डियां होती हैं वो काम करती हैं बार का, रिजिड बार, ठीक है, रिजिड बार जिसमें अप एंड डाउन प्रॉपर तरीके से वहां पे रोटेटरी मोशन वहां पे हो पाता है। तो बोन्स विल बी एक्ट एज अ लीवर आर्म। उसके बाद अगर जॉइंट्स की बात करें तो जॉइंट्स विल बी एक्ट एज अ पिवट्स और कह सकते हैं फल्क्रम। बहुत ज्यादा जरूरी है ये सारी चीजें, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ओके, देखिए अगर जॉइंट्स की बात करें तो जितने भी आपके बॉडी में जॉइंट्स हैं वो जॉइंट्स किसका काम करते हैं? फल्क्रम का काम करते हैं, बिकॉज वहीं से मोशन क्रिएट होता है। अब अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं, आई एम रनिंग, जब भी रनिंग की बात करते हैं तो हमारा जो एल्बो से रोटेशन होता है, एल्बो से, राइट, एल्बो में जो मोशन हो रहा है वो कौन सा मोशन है? दैट इज द रोटेटरी मोशन। व्हाई? बिकॉज़ इट इज हैविंग अ फिक्स्ड एक्सिस। यहाँ पे फल्क्रम है, तो फल्क्रम से अगर कोई मोशन हो रहा है, फल्क्रम से अगर कोई मोशन हो रहा है तो ये कौन सा हो गया? ये रोटेटरी मोशन हो गया, है ना। नी से मोशन, दैट मींस आपके जितने भी एरिया में जॉइंट्स हैं वहां सबसे जो मोशन होता है दैट इज अ रोटेटरी मोशन, एंड दिस विल बी एक्ट एज अ पिवट्स। ओके, उसके अराउंड मोशन होता है। इसके बाद अगर मसल्स की बात की जाए, मैंने आपको पहली स्लाइड में यही बताया था कि मसल्स विल बी प्रोवाइडेड एज अ एफर्ट। तो भाई जो भी आप अपने बॉडी से एफर्ट प्रोड्यूस करते हो वो कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? फोर्स जो है वो कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? वो प्रोड्यूस हो रहा है आपके मसल से, मसल से फोर्स प्रोड्यूस किया जा रहा है टू ओवरकम द लोड। एंड व्हाट इज द लोड? लोड इज द वेट ऑफ द बॉडी। ओके, तो आपको लीवर की रेसिपी मिल गई है और लीवर के जो भी इंग्रेडिएंट्स है ये भी आपको मिल गए हैं। बॉडी में आपके बोन्स भी है, आपके बॉडी में जॉइंट्स भी है, मसल्स भी है और लोड भी है, ठीक है। नाउ इफ यू वॉन्ट टू increase the force of the body, अगर body को force बढ़ाना है तो yes, we have to increase the muscles and the process is named as the hypertrophy।
हाइपरट्रॉफी करनी पड़ती है, ठीक है। तो दैट मींस अगर आपको फोर्स बढ़ाना है, आपको चीजें समझ में आ रही है किस तरीके से चीजें रिलेट हो रही है, अगर आपको आपकी बॉडी का फोर्स बढ़ाना है तो आपको मस्कुलर, आपको जो मस्कुलर जो साइज है वो बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज द हाइपरट्रॉफी। अब यहीं पर अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आपको हैवी मसल्स की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, आपको हैवी मसल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जो ये है दिस वन लोड आर्म है वो बढ़ाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें रहती हैं। ओके चले आगे। अब थोड़ा सा अगर बात करें इन जनरल वे, इन जनरली ह्यूमन बॉडी इन फिजिकल एक्टिविटीज मोस्टली आर थर्ड क्लास लीवर, ठीक है। तो जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं उन एक्टिविटीज में स्पीड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अगर हम कंपैरिजन करें स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स में फोर्स वाले स्पोर्ट्स और स्पीड वाले स्पोर्ट्स, कौन से स्पोर्ट ज्यादा है? तो यस, तो द आंसर इज स्पीड। तो स्पोर्ट्स में और गेम्स में हमें स्पीडी मूवमेंट्स ज्यादा करने पड़ते हैं, तो इसलिए क्लास 3 लीवर ज्यादा यूज होता है। तो आप अपनी बॉडी का अगर स्पीड बढ़ानी है तो यू कैन मेक योर बॉडी एज अ क्लास 3 लीवर, तो आपकी बॉडी की स्पीड बढ़ जाएगी। ओके नाउ अगर दिस एडवांटेज प्रोड्यूसेस, मतलब ये मान लीजिए बॉडी की जो भी पोजीशन होती है उन सबका कोई ना कोई मतलब है। जब भी 100 मीटर भागते हैं तो हमारी बॉडी हल्की सी टेढ़ी क्यों होती है? एंगल्स क्यों बदलते हैं? थ्रोइंग के लिए पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो क्यों होती है? ये सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब वही है, ये सारी चीज है। बिकॉज अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो आपको पर्टिकुलरली क्लास 3 लीवर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें हैं। दिस सिस्टम प्रोड्यूसेस द डिसएडवांटेज फॉर द फोर्स बट एन एडवांटेज फॉर द स्पीडी मूवमेंट। अगर स्पीड का एडवांटेज मिलेगा तो फोर्स का नहीं मिलेगा, अगर फोर्स का मिलेगा तो स्पीड का नहीं मिलेगा। ओके तो इस तरीके से चीजें होती है। नाउ स्ट्रेंथ और स्पीड की अगर बात की जाए, ये कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो एक बार देखिएगा फटाफट। तो अगर ये आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, DFA, इसका मतलब है कि फोर्स आर्म, और DR मतलब रेसिस्टेंस आर्म, फोर्स आर्म अपॉन रेसिस्टेंस आर्म। सो अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेसर देन 1 है, इसका मतलब है एडवांटेज किसको मिल रहा है? स्पीड को मिल रहा है। और यही चीज अगर ग्रेटर देन 1 होता तो एडवांटेज मिल रहा है फोर्स को। ओके उसके बाद अगर सपोज करिए द मसल इंसर्ट्स 3 सेंटीमीटर ऑफ जॉइंट एक्सिस, ओके दैट मींस फोर्स आर्म 3 सेंटीमीटर का है और जो रेसिस्टेंस आर्म है वो 30 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अगर सपोज करिए एग्जामिनेशन में आ गया इस टाइप का क्वेश्चन कि जो एफर्ट आर्म है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो रेसिस्टेंस आर्म है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सो व्हाट वुड बी द आंसर? द आंसर वुड बी, आपने क्या किया कि 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 30 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.1 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। इसका मतलब क्या है? इट इज लेस देन 1। इफ इट इज लेस देन 1 इसका मतलब है कि इसका एडवांटेज किसको मिल रहा है? स्पीड को मिल रहा है। बट कितना, दैट मींस आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? आपको 10 टाइम्स ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टू ओवरकम दैट रेसिस्टेंस। ओके क्योंकि अगर स्पीड का एडवांटेज मिल रहा है तो फिर फोर्स का एडवांटेज नहीं मिलता है, डिसएडवांटेज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी, बिल्कुल सही है। बट कितना, तो अगर सपोज करें यहां पर लिखा होता 0.5, ओके सपोज करिए अगर यहां पर आंसर आता 0.5, तो आप में से कौन मुझे बताएगा कि कितने कितने टाइम्स हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता? अगर इसका आंसर आता 0.5, तो हमें कितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता टू ओवरकम दैट रेजिस्टेंस? हाउ मेनी टाइम्स, कम ऑन, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू एक्सर्ट द मोर फोर्स टू ओवरकम द रेजिस्टेंस? क्या लगता है आपको क्या आंसर होना चाहिए? नहीं स्मृति, कम ऑन, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि भाई अगर 3 सेंटीमीटर फोर्स आर्म है, 30 सेंटीमीटर अगर रेसिस्टेंस आर्म है, तो इसका आंसर आया है 0.1, इसका मतलब है 10 सेंटीमीटर। यार खुद देखो, देखो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड देन 1। दैट मींस अगर ये आंसर आया है तो आपको इतना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और अगर ये आंसर आया तो आपको इतना एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो आंसर वुड बी
गीता इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अंकित 50 कहाँ पहुंच गए आप? नहीं डिलीट कर दिया उसने। संग्राम 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 आपको भी 50 टाइम्स। अरे नहीं 50 बहुत ज्यादा नहीं हो गया आपके हिसाब से? दैट इज 5 टाइम्स। ओके 5 टाइम्स, 5 टाइम्स ज्यादा, नॉट 50। आप सब लोग 50 क्यों बोल रहे हो? मैंने इसलिए आपको यहाँ पे लिख दिया है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। खुद देखे समझिए। That is 5 times, exactly, exactly, exactly. समझ में आ रही चीज़ है? Okay. Now, अब अगर मेरा आंसर आता 5, अगर मेरा आंसर 5 आता, तो यहाँ पर मुझे एडवांटेज मिल रहा है। क्लियर समझ में? बिकॉज द आंसर इज ग्रेटर देन 1, तो मुझे ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। मुझे 5 times ज्यादा क्या मिल रहा है? अब बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है? 5 गुना ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है? जितना आंसर 1 से नीचे आएगा उतना मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा, और जितना आंसर 1 से ज्यादा आएगा उतना ज्यादा एफर्ट मुझे मिल रहा है एडवांटेज के रूप में। तो ये इसका मतलब होता है, ठीक है? तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आएगा तो जरूर इसको आराम से करिएगा, ठीक है? नाउ एक और फॉर्मूला है, फोर्स इंटू फोर्स आर्म, रेजिस्टेंस इंटू रेजिस्टेंस आर्म, ठीक है? तो अगर फोर्स आर्म कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस आर्म कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो व्हाट विल बी द फोर्स निकाल पाओगे? इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, और कौन मुझे बताएगा इस फोर्स को क्या कहा जाएगा? कम ऑन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फोर्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फोर्स? इस फोर्स का मतलब क्या रह गया? सो यस, सो द आंसर इज, इसको इसका मतलब है टॉर्क, बिकॉज टॉर्क इज द रोटेटिंग फोर्स। अब यहाँ पे आपको देखना है भाई, अगर लीवर में जब भी फोर्स की बात की जाएगी तो वहां पे सिंपल फोर्स की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे टॉर्क की बात की जा रही, रोटेटिंग फोर्स की बात की जा रही, ठीक है? सो इस तरीके से एग्जाम में आ सकता है। ओके चलिए आगे चलते हैं। नाउ अब अगर कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो फटाफट आंसर बताओ, ठीक है? इन विच टाइप ऑफ द लीवर द मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1? किस टाइप के लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम होता है? सो द आंसर इज सी। मैं फटाफट लाइक आंसर को बता रही हूँ, रीजन ये है बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है उतना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो आपको यहाँ से केवल इतना आइडिया लगाना है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो यस, अगर लीवर्स की बात करें तो लीवर्स में भी काफी सारे सवाल एग्जाम में आते हैं, तो कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। लीवर्स हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, मोशंस हो गया, ये सारी चीजें आप लोग पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एर्थ का जो सही आंसर है वो है सी। तो हैमस्ट्रिंग कर्ल इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास 3 लीवर। अब ये 3 कैसे आया वो थोड़ा सा सोचिएगा, मैं आपको को करके दिखाऊं। सपोज करिए इफ दिस इज अ लेग एंड अब हैमस्ट्रिंग कर्ल की बात, तो दैट मीन्स एंगल विल बी रिड्यूस्ड, फ्लैक्शन होगा, ठीक है? So, यहां पर अगर बात की जाएगी तो ये क्या हो गया? दिस विल बी द लोड, ये लोड हो गया। अब ये क्या है? ये नी, नी हो गया आपका फलक्रम, नी हो गया फलक्रम। और एफर्ट कहां से लग रहा है? एफर्ट लग रहा है गैस्ट्रोसिनेमियस में से। एफर्ट कहां से लग रहा है? एफर्ट लग रहा है गैस्ट्रोसिनेमियस, तो एफर्ट बीच में आ गया, एफर्ट बीच में आ गया। तो अगर एफर्ट बीच में आएगा तो विच टाइप ऑफ क्लास इज देयर? तो क्लास 3 लीवर, तो इसलिए इसका आंसर 3 है, ठीक है? समझ में आ रही चीज, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। ओके नाउ नेक्स्ट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, फटाफट समझेंगे इसको। प्रोजेक्टाइल का मतलब यही है सिंपल से कि जब भी कोई बॉडी हवा में एक पर्टिकुलर एंगल पर रिलीज होती है, जब भी कोई बॉडी, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई स्टोन हो, एरोप्लेन, एनीथिंग, पर्टिकुलर एंगल पर जब भी ओपन एयर में रिलीज होती है उसको बोलते हैं उस, और जब वो बॉडी एक पर्टिकुलर मोशन बनाती है तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर वो किसी पर्टिकुलर एंगल पर रिलीज हुई तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड, और जब वो मोशन बना रही है तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अ बॉडी इन अ फ्री फॉल दैट इज सब्जेक्टेड ऑल टू द फोर्सेज ऑफ ग्रेविटी एंड एयर रेसिस्टेंस, तो इट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। देखो अब सिंपल एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि जब भी कोई बॉडी हवा में होती है तो वहां पे दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं उसके ऊपर, एक लग रहा है ग्रेविटी का फोर्स, दूसरा लग रहा है रेसिस्टेंस का फोर्स। यही तो हो रहा है कि जब भी कोई बॉडी ग्राउंड ये है,
फुटबॉल ये है हवा में प्रोजेक्ट हुई, तो जैसे ही वो हवा में है तो हवा में केवल दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं उसके ऊपर, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा रेसिस्टेंस फोर्स, और किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लग रहा है उस बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो वो जो भी मोशन क्रिएट करेगा दिस विल बिकम अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, नाउ अब अगर एग्जाम्पल की बात की जाएगी तो एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट पुट, हाई जंपर, लॉन्ग जंपर, सॉकर बॉल, राइट, इस तरह से बेसबॉल, ठीक है। प्रोजेक्टाइल समझ में आ रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट वो प्रोजेक्टाइल मोशन बना रहा है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल्स। द बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड इन टू द एयर एट अ पर्टिकुलर एंगल, दैट बॉडी इज नोन एज द प्रोजेक्टाइल्स, और जो वो मोशन क्रिएट कर रहा है दैट मोशन इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, किसी जिस भी बॉडी एक कर्व पाथ बना रही है, कर्व, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन है, और जब वो कर्व पाथ बना रही है तो वो हवा में जाने के बाद नीचे क्यों आ रही है, वो नीचे आ रही है बिकॉज वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स और एयर रेसिस्टेंस फोर्स लग रहा है, इसी वजह से वो एक कर्व पाथ बना पा रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें स्काई जंपर एग्जांपल, अब ये प्रोजेक्टाइल में, ट्रेजेक्टरी में और पैराबोला में डिफरेंस क्या है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, यहां पर देखिएगा, और ये डिफरेंस आपको इजिली नहीं मिलेगा जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। तो अच्छे से इसको अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक जरूर कर देना भाई, बिकॉज योर लाइक्स इज माई मोटिवेशन और योर कमेंट्स आर माई मोटिवेशन। हाँ, यस नागेश, फ्लैक्शन था वो, यस यस, ओके। सो प्रोजेक्टाइल, ट्रैजेक्टरी एंड पैराबोला, देखो जब भी कोई बॉडी हवा में एक पर्टिकुलर एंगल पर रिलीज होती है तो उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, सिंपल, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब वो जो पाथ कवर कर रही है, वो किस टाइप का पाथ कवर कर रही है, वो रिलेट करता है दो तरीके से, एक ट्रैजेक्टरी, दूसरा पैराबोला। अगर वो एक एग्जैक्टली सिमेट्रिकल कर्व पाथ बना रही है, सिमेट्रिकल कर्व पाथ का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल का मतलब सिंपल ये होता है कि अगर हमने इसको बीच में से डिवाइड कर दिया तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल हो गए, दैट मींस जितने एंगल से उसने रिलीज, जितने के एंगल से उसने रिलीज किया था उतने एंगल पे उसने लैंड किया, ठीक है, दैट इज बोथ द एरियाज आर इक्वल। तो फर्स्ट एरिया एंड सेकेंड एरिया बोथ द एरियाज आर इक्वल, तो यहां पर ये बन जाएगा पैराबोला, तो इसको पैराबोला कहा जाएगा, ठीक है। अब अगर ये चीज कुछ इस तरीके से बन जाए, ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं, अगर कुछ प्रॉपर सिमेट्रिकल ना बनाए तो उसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी, तो उसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी, ठीक है। तो आपको प्रोजेक्टाइल, ट्रैजेक्टरी और पैराबोला में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल एक प्रॉपर तरीके से एक एयर में रिलीज होता है, एंगल पर रिलीज होता है, और वो जो भी मोशन क्रिएट कर रहा है दैट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, बट वो जो पाथ क्रिएट कर रहा है वो किस तरीके से क्रिएट कर रहा है, अगर वो प्रॉपरली सिमेट्रिकल शेप बना रहा है, प्रॉपरली एक फर्स्ट एरिया एंड सेकेंड एरिया दोनों इक्वल है तो ये बनता है पैराबोला, लेकिन अगर दोनों एरिया सिमेट्रिकल नहीं है, अनइक्वल है, तो ये बनता है ट्रैजेक्टरी। तो ट्रैजेक्टरी एंड पैराबोला, इट्स ऑल अबाउट अ पर्टिकुलर पाथ, कि वो जो प्रोजेक्टाइल है वो कौन सा पाथ कवर कर रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से है। अब ट्रैजेक्टरी बनेगा या पैराबोला किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन बताएगा? कौन, किस टाइप का मोशन बनेगा, किस टाइप का पाथ कवर करेगा, ट्रैजेक्टरी पाथ कवर करेगा या फिर पैराबोला पाथ कवर करेगा, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, कौन बोलेगा, कम ऑन, वेवलेंथ। अरे नहीं अंकित, आप तो बहुत डीप में चले गए। या शेप एग्जैक्टली, पाथ नागे, शेप, पाथ, शेप से आपको समझ में आएगा। सो आप मतलब कैसे समझोगे, देख के शेप से समझोगे, अच्छा ठीक है, शेप किसके ऊपर डिपेंड करती है, शेप किसके ऊपर डिपेंड करती है अंकित, एंगल के ऊपर, एंगल 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 एंगल, द आंसर इज एंगल, एब्सोल्युटली करेक्ट महिमा। तो ये एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि पर्टिकुलरली एंगल, ठीक है, तो उसी चीज की बात करते हैं। चलिए, तो भाई फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी, तो वहां पे प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी लिखा हुआ है, प्रोजेक्टाइल पैराबोला भी हो सकता है, बट पैराबोला रियल लाइफ कंडीशंस में बहुत रेयर होता है, क्योंकि एयर रेसिस्टेंस इज ऑल्सो देयर, ग्रेविटी फोर्स इज ऑल्सो देयर, तो यहाँ पे इतने सारे फोर्सेस हैं, उस फोर्सेस की वजह से प्रॉपरली सिमेट्रिकल
नहीं बन पाता है पाथ, तो हल्का फुल्का तो ऊपर नीचे रहता है, इसलिए उसको ट्राजेक्टरी कहते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस में, ठीक है। बट अगर यही एक्सपेरिमेंट एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में होगा तो यस, वहां पर आपको पैराबोला दिख सकता है, रेनबो। रेनबो किस तरीके से आपको एग्जैक्टली कर्व दिखता है, दैट इज द पैराबोला, दैट इज नॉट ट्राजेक्टरी, दैट इज पैराबोला। बट अगर स्पोर्ट्स की बात करें, रियल लाइफ गेम्स की बात, तो वहां पे ट्राजेक्टरी ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। अब ट्राजेक्टरी में कौन कौन सी ज्यादा चीजें हैं जो कि उसके मोशन को अफेक्ट करती है? नंबर वन, कितने एंगल पर वो प्रोजेक्ट हुआ है। नंबर टू, प्रोजेक्शन की स्पीड क्या है। नंबर थ्री, प्रोजेक्शन की हाइट कितनी है। दीज ऑल थ्री कंडीशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो भाई ट्राजेक्टरी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। नंबर वन, एंगल के ऊपर, प्रोजेक्शन स्पीड के ऊपर, और रिलेटिव हाइट ऑफ द प्रोजेक्शन के ऊपर। तो व्हाट इज द रिलेटिव हाइट? जिस हाइट से वो रिलीज हुआ है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टिव हाइट, जिस एंगल से उसने रिलीज किया है प्रोजेक्शन एंगल, और जिस स्पीड से उसने उसको रिलीज किया है दैट इज द प्रोजेक्शन स्पीड। जिस स्पोर्ट्स में अप्रोच रन होते हैं उनका मतलब क्या है? उनका मतलब यही है, बिकॉज जितनी ज्यादा प्रोजेक्शन स्पीड होगी उतना ज्यादा उसको रेंज में एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द रेंज, मतलब अगर आपको रेंज बढ़ानी है किसी भी थ्रोइंग की, लॉन्ग जंप कर लो या फिर जैवलिन कर लो, फिर डिस्कस कर लो, वहां पे आपको रेंज चाहिए। तो रेंज के लिए आपको तीन चीजों के ऊपर मेन फोकस करना पड़ेगा, नंबर वन एंगल, नंबर टू स्पीड, नंबर थ्री इज रिलेटिव हाइट। अच्छा, कौन मुझे बताएगा इन तीनों में से सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है ट्रैजेक्टरी? अब तीनों के ऊपर इक्वल तो नहीं करेगा ना, कौन सा ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ट्रैजेक्टरी के लिए, मतलब इसके बिना हो ही नहीं सकता, कौन बताएगा? कम ऑन, जल्दी से बताओ। ओके, अब यहां पर आप देखेंगे कि भाई ऑप्टिमल प्रोजेक्शन कंडीशन, अगर यहां पर ध्यान से देखेगा जो लिखा हुआ है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिटेल में, मैं आपको केवल यहां पर प्रॉपर तरीके से जो लिखा हुआ है वही समझा रही हूं। अगर रिलीजिंग हाइट और लैंडिंग हाइट, एक रिलीजिंग हाइट, अगर लैंडिंग हाइट इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, सॉरी इक्वल होंगे, इक्वल रखे, अगर रिलीजिंग हाइट और लैंडिंग हाइट अगर इक्वल होंगे तो यहां पर जो एंगल चाहिए वो कितना चाहिए? 45 डिग्री। मतलब अगर आपको ऑप्टिमम प्रोजेक्शन, प्रॉपर रेंज चाहिए, प्रॉपर प्रोजेक्शन चाहिए, प्रॉपर पैराबोला बनाना है, तो उसके लिए आपको जो एंगल है वो कितना चाहिए होगा? तो वो डिपेंड करता है कि कितने एंगल से रिलीज हुआ है और कहाँ पे लैंड हुआ है। तो अगर एरिया ऑफ रिलीजिंग और एरिया ऑफ लैंडिंग इज ऑन इक्वल हाइट, दैट मीन्स यू शुड हैव अ 45 अप्रोक्सीमेटली एंगल। एग्जाम्पल लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप में आप देखिएगा रिलीजिंग हाइट सेम है और लैंडिंग हाइट भी सेम है, तो वहां पर जो अगर रिलीजिंग हाइट और लैंडिंग हाइट सेम होगी एग्जाम्पल लॉन्ग जंप, तो इसका मतलब क्या है कि आपको एंगल कितना रखना पड़ेगा? 45 डिग्री। अगर आपका एंगल रहेगा तो शायद आपको ज्यादा रेंज मिल पाएगी, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसका मतलब केवल ये नहीं होता शॉट पुट कितने एंगल पे रिलीज होना चाहिए 45 डिग्री, नहीं यार, ये आंसर नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि रिलीजिंग हाइट और लैंडिंग हाइट कितनी है। अब दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर रिलीजिंग हाइट ज्यादा है और लैंडिंग हाइट कम है, अगर रिलीजिंग हाइट ज्यादा है लैंडिंग हाइट कम है, तो यहां पर आपका एंगल कितना होना चाहिए? एंगल शुड बी लेसर देन 45 डिग्री। तो यहां पर अगर देख सकते हैं कि दिस इज द रिलेटिव हाइट, अगर आपकी रिलेटिव हाइट है, और रिलेटिव हाइट है तो आपका अगर लैंडिंग एरिया उससे नीचे है, तो आपको जो अपना एंगल है वो 45 डिग्री से कम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल जैवलिन थ्रो, शॉट पुट, डिस्कस, ये सारे एग्जाम्पल इसी के हैं। यहां पर आपका एंगल देखो कितना होता है, 25 से लेके 35 के बीच में एंगल होता है, ठीक है। सबसे कम एंगल होता है जैवलिन थ्रो का बिकॉज ऑफ द डायमेंशन, बिकॉज ऑफ द सम अदर थिंग्स ऑल्सो, ओके, बिकॉज स्पीड भी ज्यादा होती है, तो काफी अलग अलग चीजें हैं जिसकी वजह से इसका आंसर बदल जाता है। तो यहां पर अगर हम थ्रोइंग की बात करेंगे तो यहां पर जो एरिया ऑफ रिलीजिंग है वो ऊपर है, एरिया ऑफ लैंडिंग नीचे है, तो यहां पर एंगल कितना होना चाहिए? 45 से कम होना चाहिए। अब तीसरा एग्जाम्पल देखें कि अगर रिलीजिंग हाइट कम है और लैंडिंग हाइट ज्यादा है तो एंगल शुड बी ग्रेटर देन 45 डिग्री। एग्जाम्पल बास्केटबॉल थ्रो, बास्केटबॉल थ्रो में लैंडिंग ऊपर होती है,
रिलीजिंग नीचे से होती है, तो यहां पर आपको एक तो हाइट बढ़ानी पड़ती है, दूसरा दूसरा आपका क्या है, आपको एंगल ज्यादा चाहिए तब जाके प्रॉपरली वहां पे रिलीज हो पाता है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें कि हाई जंप, हाई जंप में भी आपको एंगल ज्यादा चाहिए क्योंकि हाई जंप में भी लैंडिंग ऊपर है और रिलीजिंग नीचे है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे समझना पड़ेगा। ओके सो ये चीजें एग्जाम्पल है। ओके सो अब अगर मैं आपको ये चीज समझाऊं तो दिस इज द रिलेटिव हाइट। तो भाई स्पोर्ट्स में हाइट चाहिए, क्यों चाहिए? बिकॉज स्पोर्ट्स में हाइट का बहुत बेनिफिट होता है। अगर ज्यादा हाइट होगी तो आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, कम से कम एफर्ट में, मतलब अगर एंगल कम होगा तो एफर्ट कम लगेगा ऑटोमेटिकली, एंगल ज्यादा तो एफर्ट आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो अगर रिलेटिव हाइट ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि आपको एडवांटेज मिलेगा फोर्स का, तो इसीलिए बास्केटबॉल में, वॉलीबॉल में, हर जगह हाइट को ज्यादा मांगते हैं, तो रीजन यही है, ठीक है। तो अगर रिलेटिव हाइट, ये हो गई रिलेटिव हाइट, और कितनी स्पीड से वो रिलीज हुआ है, कितने एंगल, वी का मतलब स्पीड है, यहाँ पे लिखा हुआ है वी फॉर वेलोसिटी, स्पीड नहीं लिखा है, वेलोसिटी लिखा है भाई, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे वेक्टर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सिंपल यही है कि यहाँ पे डायरेक्शन की बात की जा रही है, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलीजिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे कि दिस इज द मैक्सिमम हाइट, ओके ये मैक्सिमम हाइट है, दिस इज द एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ, दिस इज द एरिया ऑफ सेकेंड हाफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला हाफ कम है और दूसरा हाफ ज्यादा है, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर रेंज चाहिए, डी क्या है, डी रेंज है, अगर आपको प्रॉपर रेंज चाहिए, जहां से रिलीज हुआ, जहां पे लैंड हुआ, प्रॉपर रेंज को अगर बढ़ाना है तो आपको प्रॉपर एंगल पर रिलीज करना पड़ेगा। ओके तो आपको समझ में आया, दैट मीन्स जिस वक्त से वो ऑब्जेक्ट रिलीज हुआ और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एक्सेंट। एसेंट, सॉरी, तो टाइम ऑफ एसेंट, और इसको बोलते हैं जब मैक्सिमम हाइट से जब वो लैंड हुआ तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहां पे आप देख सकते कि ये जो है टाइम ऑफ एसेंट है वो कम है और टाइम ऑफ जो डिसेंट है वो ज्यादा है। तो आप मुझे ये बताइए कि इस पर्टिकुलर जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में अगर मुझे अपनी मैक्सिमम रेंज करनी है तो मैक्सिमम रेंज के लिए मुझे, मेरे पास एंगल कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एंगल फॉर दिस डायग्राम, कम ऑन, इफ आई वांट टू इक्वल द टाइम ऑफ एक्सेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, तो मुझे पर्टिकुलरली अपनी रेंज बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना एंगल लेना पड़ेगा, क्या लगता है आपको? हाँ विवेक, एक्सीलेंट। तो पहले अगर हाइट ज्यादा है वो तो ठीक बात है, बट एंगल देखिए ना। सौभाग्या, थैंक यू सो मच। अंकित, अंकित कैसे हो सकता है, रिलीजिंग हाइट बड़ी है, लैंडिंग हाइट कम है, तो यहां पर आपको एंगल कितना रखना पड़ेगा? ओहो समझे नहीं आप लोग, रिलीजिंग हाइट ज्यादा है, लैंडिंग हाइट कम है, तो एंगल कितना होना चाहिए? यस, द आंसर इज लेस देन 45, या लेस देन 45, 45 डिग्री से कम होगा तभी तो हो पाएगा ना। यस यस यस, 45 डिग्री से कम रखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब वही चीज अगर हम लोग अपोजिट रहते तो वो चीज ऐसी हो जाएगी, ठीक है। चलिए ओके, अब क्वेश्चंस की बात करते, फटाफट क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि टाइम हमारा होता जा रहा है। ओके वी आर ऑलवेज एक्सीड द टाइम। ओके अगर नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, हाइट एंड टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ओनली ऑन, अगर हम लोग हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें, तो किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं? मैंने अभी आपसे पूछा था, इसका आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। सो द आंसर इज इनिशियल इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना प्रॉपर एंगल मिल गया, उतना प्रॉपर हाइट मिल गई, तो चीजें हो पाएंगी। अगर स्पीड ही नहीं होगी, अगर स्पीड ही नहीं होगी तो चीजें वहां पे आपको रेंज नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो रेंज के लिए सबसे ज्यादा आपको वर्टिकल वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट अगर बात करें तो 10th, एट टाइम ऑफ रिलीज ऑफ डिस्कस, डिस्कस रिलीज करने के लिए, ठीक है, जब डिस्कस रिलीज होता है तो ये बताइए कि विच फोर्स इज मोर और
कौन सा आंसर रहेगा? सेंट्रिपिटल फोर्स ज्यादा होता है फिर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स ज्यादा होता है, या फिर दोनों इक्वल होते हैं? क्या लगता है आपको? तो टेंथ का जो सही आंसर आपको लग रहा है, टेंथ का एट द टाइम ऑफ द रिलीज, जब रिलीजिंग की बात की जा रही है तो रिलीजिंग के टाइम पे आप देखेंगे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मोर, बिकॉज डिस्कस इज रिलीजिंग आउटवर्ड, वो डिस्कस बाहर तरफ रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा, सिंपल है। अनिल अनिल प्रैक्टिस सेट मिला होगा? अनिल आप एक बार फ्री स्टडी मटेरियल में ऐप में जाकर, फ्री स्टडी मटेरियल में जाके देखिएगा, वहां पे मैंने स्पोर्ट्स रनिंग का प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और जो फिजियोलॉजी है उसका भी प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, एक बार जाके देखिएगा। ये भी मैं प्रैक्टिस सेट वहां पे आपको दे दूंगी, मिल जाएगा आपको। तो टेंथ का सही आंसर बी है। उसके बाद इलेवेंथ की बात करें तो इलेवेंथ का सही आंसर यहाँ पे सी है। द रोटेशन ऑफ द बॉल और अदर प्रोजेक्टाइल अराउंड इट्स सेंट्रल एक्सिस, अगर एक्सिस से कोई भी मोशन वहां पर हो रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो दैट इज नॉट प्रोजेक्टाइल, नो। दैट इज नॉट इलास्टिसिटी, नो। दैट इज नॉट स्क्रीन इफेक्शन, नो। दैट इज अ स्पिन, तभी तो स्पिनिंग मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो द आंसर इज इलेवेंथ का सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर आपको हुसैन वर्षा, ओके चले आगे चले, ओके नेक्स्ट फटाफट करते हैं। द कार्पल बोन्स एंड द टार्सल बोन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, कमन, कार्पल बोन्स और टासल्स बोन्स किसका एग्जाम्पल है? पिवट का, ग्लैडिंग का, हिंज का, एपिसाइल का, कमन। तो द आंसर इज बी। सो द आंसर इज ग्लैडिंग जॉइंट। भाई ग्लैडिंग जॉइंट्स और पिवट जॉइंट्स, ये जॉइंट्स पढ़ लेना, जॉइंट्स टॉपिक फिजियोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बायोमेकेनिक्स में तो है ही है इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम 33rd क्वेश्चन की बात करें कि प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन टेक्स प्लेस, ये प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन ये बेसिकली मूवमेंट्स का पार्ट है, आपके लिए मूवमेंट्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि भाई कोई मोशन हो रहा है उसके लिए कोई मूवमेंट्स को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर 13 इज बी, शोल्डर। एक्चुअली प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन टेक्स प्लेस इन शोल्डर, यहाँ पे शोल्डर लिखना है, ओके तो शोल्डर जॉइंट। उसके बाद अगर 14th की बात करें, एक्सिस, ओके सो द इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम द एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन इज नोन एज द, कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर से डायरेक्शन क्रॉस करती है? सो द आंसर इज सी। मैं आपको एक चीज बताती हूं कि लिवर और दिस प्लेन्स एंड एक्सिस, लीवर और प्लेन्स एक्सिस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिएगा। ये मान लीजिए कि अगर आपने उस वीडियो में से लीवर का वीडियो पढ़ लिया और प्लेन एक्सिस का वीडियो पढ़ लिया, 100% आपको प्लेन एक्सिस और लीवर इतना अच्छे से समझ में आएगा कि आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा, और कुछ और भी एमसीक्यूज है ये मैं आपको दे दूंगी, लाइक क्योंकि हमारा वी हैव एक्सीड द टाइम ऑलरेडी, 15 मिनट्स क्रॉस हो चुके हैं, तो ये वाले पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी, और जितने भी एमसीक्यूज और भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको जरूरी है, बिकॉज दिस क्लास इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द होल सिलेबस, जितना ज्यादा हो सकता है आई विल ट्राई टू कम्प्लीट, एटलीस्ट समझ में तो आना चाहिए ना, है ना, तो मैं उतना ही ट्राई करती हूँ कि जितना मैं समझा पाऊँ, प्लस और भी रिकॉर्डेड वीडियोज हैं जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे ताकि आपकी कंप्लीट स्टडी हो सके। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कंसिस्टेंसी, ओके। तो हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आभा, नीतू, यशवीर, अनिल, मनोज, सौभाग्य, स्मृति, शशांक, हुसैन, अंकित, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से हमारे साथ अटैच हुए हैं और लास्ट तक रहते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी, एंड कंसिस्टेंसी तभी आती है जब स्टूडेंट में एक डिसिप्लिन होता है, ओके किसी भी चीज को समझने के लिए आपको उस चीज को डिसिप्लिन में पहले लाना पड़ेगा, एक सिस्टमैटिक तरीका चूज करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर ऑन यूट्यूब, और यूट्यूब में आपको देखेंगे कि भाई नीचे बहुत सारे वीडियोस रिलेट कर रहे हैं, अच्छा ये कौन सा नया सॉन्ग आया है खोल लेते हैं, ठीक है, उसको ओपन किया, उसके बाद दूसरी जगह आप लोग चले गए। तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पढ़ना अपने आप में एक बहुत लाइक एक कंसिस्टेंसी की बात है, क्योंकि बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन को हटा के किस तरीके से हम पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। आई ऑलवेज ट्राई कि आपको क्लास में मजा आए, बिकॉज जब तक मजा नहीं आएगा,
एक वीडियो से दूसरे वीडियो में जाने में ज्यादा टाइम ही लगता है, ठीक है? तो आई रियली अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज मैं एक यूट्यूबर भी हूँ और मैं एक व्यूअर भी हूँ. तो एज अ व्यूअर आई रियली अंडरस्टैंड कि कितना मुश्किल है कि एक वीडियो में कंसिस्टेंसली इतने घंटे पढ़ाई करना. ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस कंसिस्टेंसी, बट ये जरूरी है. नॉट वन डे, नॉट टू डे, कॉन्टिन्यूअसली फॉर योर स्टडी. बिकॉज अगर आपको एक टीचर बनना है तो आपको एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 2 दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पूरी जिंदगी पढ़ना पड़ेगा. पूरी जिंदगी पढ़ना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तभी टीचर बन पाओगे, अदरवाइज कभी टीचर नहीं बन पाओगे, ठीक है? तो इसी ज्ञान के साथ, इसी नॉलेज के साथ, इसी एमसीक्यूज के साथ आज की क्लास खत्म होती है. थैंक यू सो मच अनिल, वर्षा, योगेश. और ये मान लीजिए कि जो भी इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन है कि हमारा बैच कब शुरू हो रहा है, आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. ऐप में हमारा चैट बॉक्स होता है, वहां पे आप कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. टीजीटी एग्जामिनेशन की अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, बट बहुत जल्द, मतलब ये मान लीजिए कि 1 महीने के अंदर अंदर उसके, अगर पीजीटी का एग्जाम हुआ तो 1 महीने के अंदर टीजीटी का एग्जाम भी होने के चांसेस लग रहे हैं. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच. टीजीटी का एग्जामिनेशन, योगेश, टीजीटी का एग्जामिनेशन मुझे नहीं पता, बट मेरे अंदाज से 1 मंथ में हो जाएगा अगर पीजीटी का एग्जाम हो गया तो, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच. ओके ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो. कल की क्लास सेम टाइम पे रहेगी.